हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ जुलाई मंथ करंट अफेयर्स फ्रॉम विजन आई मंथली मैगजीन इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन सो इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन सी क्रोनोलॉजी के हिसाब से वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज़ इंडिया श्रीलंका रिलेशन बट कंसेप्चुअली the third article should be the first that is neighborhood first policy should be first article so that it maintain flow coherence and concept clarity because sri lanka is also our neighbors and our relation depends on how is our policy for neighbors we will invest 10 15 minutes for neighborhood first policy बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ़ इम्पॉर्टेंस लाइक एवरी मंथ टू थ्री मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स बिलोंग टू आवर नेबर्स बी इट नेपाल श्रीलंका एंड पाकिस्तान चाइना और ये यूजल भी है बिकाउज चाहे नेबर्स आपकी हो या देश की दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम से किसी के साथ नमक चीनी की ट्रेडिंग हो रही है तो किसी के साथ नहीं हो रही है और इन्हीं समस्या की सॉल्यूशन में जो विवाद उत्पन्न होती है वो न्यूज़ में जनरली हमें देखने को मिलती है सेकंड बीइंग स्टूडेंट आपके मन में ये चलता होगा कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर हम फ्री में एज अ ग्रांट नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश भूटान को दे देते हैं इससे तो कई साढ़े लाखों इंडियंस की जो है हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं कि इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बिलियंस ऑफ डॉलर प्लस कई सारे मान लो फाइटर एयरक्राफ्ट ये सब हम अपने पड़ोसी को दे देते हैं यदि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूँ लाइक रिसेंटली हमने अभी जो है टू फिफ्टी मिलियन डॉलर जो है हमने अभी अ ग्रांट के तौर पे नेपाल को दिया हंड्रेड मिलियन डॉलर जो है हमने अभी मालदीव्स को दिया वन बिलियन डॉलर हमने अभी श्रीलंका को दिया नाइन्टी मिलियन डॉलर खर्च करके हमने अफग़ानिस्तान में पार्लियामेंट बनाया तो इतना कुछ हम क्यों कर रहे हैं ऑल्सो हमने अफग़ानिस्तान में सलमा डैम बनाया इतना ह्यूज सलमा डैम प्लस जेरांज देलाडम हाईवे हमने बनाया तो मेन सवाल यह है कि हम इतना कुछ क्यों कर रहे हैं और इसका आंसर समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडियाज़ पॉलिसी फॉर नेबर्स समझना होगा सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड फर्स्ट ऑफ़ ऑल समझते हैं कि वट इज़ द रेलिवेंस ऑफ आवर नेबर्स नेबर्स की क्या इम्पोर्टेंस है इन आवर फॉरन पॉलिसी तो ये कुछ हमारे नेबर्स हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान चाइना नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार श्रीलंका एंड मालदीव्स इज ऑल्सो आवर नेबर्स ये लिस्ट में यहाँ पे मैंने लिखा है इसके बाद यहाँ पे कितनी बाउंड्री शेयर करता है वो भी डाटा है बट ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है एक बार प्रिलिम्स में पूछा था कि हमने हम लॉन्गेस्ट बाउंड्री किससे शेयर करते हैं सो इट इज़ द बांग्लादेश जिनके साथ हम सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं तो रेलिवेंस पार्ट को हम समझ रहे हैं और रेलिवेंस पार्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है जिसको कि आप एनालिजी से समझिए और उसी चीज़ का मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा है आप बस इसे ऐसे देखो मान लो कि ये आपका पड़ोसी घर है और यहाँ पे आपका घर है आपके पड़ोस में क्या होता है इसके घर में आग लगती है और आप आराम से अपने घर में बैठे हो और आप आप ये सोच रहे हो अरे इससे मुझे क्या ले, लेना देना है आग तो पड़ोस के घर में लगी है बट आफ्टर टाइम क्या होगा ये आग जो है आपके घरों तक आ जाएगी और ये आपके घर को भी बर्बाद कर देगी सो so, If your neighbor's house is on fire and burning, and if you don't help the neighbors in extinguishing the fire, then after some time your house also starts burning. और इस पैनिक सिचुएशन में क्या होगा मान लो इस घर में जो आदमी जल रहे थे जो आदमी इधर से उधर भाग रहे थे वो अब परमिशन नहीं देखेंगे कि वो आपके बाउंड्री में आ सकता है या नहीं आ सकता है उसको जिधर से रास्ता मिलेगा जहाँ भागने का मौका मिलेगा वो आपके एरिया में भी वो आ सकता है वो पहुँच जाएगा वो सेम स्थिति होती है कंट्री लेवल पे, जब किसी हमारे पड़ोसी देश में कोई पैनिक सिचुएशंस होती है कोई डेंजर आ जाता है तो उस समय जो पीपल हैं वो कोई पासपोर्ट और वीज़ा के लिए वेट नहीं करते हैं वो डायरेक्टली आपके कंट्री में आ जाता है कुछ एग्जांपल्स ऐसा है 1971 में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइट हुआ तो इस समय क्या हुआ कि वार के समय में मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी जो है वो इंडिया में माइग्रेट करके आ जाता है और मेज़र पॉपुलेशन जो है आसाम में जाके बस जाता है अभी आपने रिसेंटली एक रोहिंग्या का इशू देखा जब रोहिंग्या क्राइसिस हुआ तो म्यांमार से कई सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है इंडिया में माइग्रेट करना चाह रहे थे 1959 से 62 में जब हमारा चाइना के साथ टेंशन बढ़ा और चाइना के साथ फ़ाइट हुआ तो कई सारे जो हैं विथ दलाई लामा इंडिया में वो आते हैं उसके बाद आपने ये भी एक मेजर न्यूज़ सुना होगा कि आई 814 जो कि तालिबान ने हाईजेक कर लिया था हमारा प्लेन और सबसे बड़ी खतरा किसी देश की सॉब्रनिटी पे हो सकता है तो वो ये इवेंट्स था जब यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है यहाँ पे यह होगा एल टी टी ई यहाँ पे ई छूट रहा है एल टी टी ई दैट इज़ लिब्रेशन लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ने क्या किया हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को एसिसनेट कर दिया उसे मार दिया अब सोचो ये कितनी बड़ी ख़तरा है कि ये कहाँ का था एल टी टी ये था श्रीलंका का मतलब किसी और किसी और देश की समस्या के लिए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर को अपने जान से हाथ धोना पड़ा इसीलिए यदि आपके फॉरेन कंट्रीज़ में कोई समस्या है यदि आपके फॉरेन कंट्रीज़ में आग लगी है तो वो आग की लपटे जो है आपके देश तक भी पहुंच सकती है सो दिस इज़ द फर्स्ट रेलिवेंस ऑफ नेबरहुड इन एनी कंट्रीज़ फॉरेन पॉलिसी सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं इसे समझते हैं कि किसी भी देश के लिए उसकी जो नेबर्स हैं उसकी जो पड़ोसी है वो लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस रखता है बिकॉज यदि आपका स्टेबल रिलेशन नहीं होता है आपके नेबर्स के साथ तो आप एक ग्लोबल पावर नहीं बन सकते हैं आप कभी इमर्ज नहीं हो सकते हैं एज अ ग्लोबल पावर जबकि क्या होगा कि आपका अपना ही जो है पड़ोसी आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है उसके बाद विदाउट रिजॉल्विंग योर नेबर्स प्रॉब्लम यू कांट इमर्ज एज अ क्रेडिबल ग्लोबल पावर आप पे पूरी दुनिया विश्वास नहीं करेगी बिकॉज सपोज करो कि आपकी अपनी नेबर्स के साथ इतनी टेंशन है आज क्यों चाइना इतना इकोनॉमिक बुम होने के बावजूद आज वो कई मामले में यू से भी ऊपर जा चुका है बट स्टिल जब ग्लोबल मंच पे चाइना से कोई भी जो है उस पर विश्वास नहीं करता है बिकॉज वो अपने नेबर्स की के साथ सही व्यवहार नहीं करता है उसकी लैंड को वो समय समय पे अपने मैप में शामिल कर लेता है तो इसलिए आप एक क्रेडिबल पावर नहीं बन सकते हैं लोग आप पे विश्वास नहीं करेगा एंड देयर इफ यू डोंट हैव कंट्रोल प्लस इन्फ्लुएंस कंट्रोल भी होनी चाहिए और इन्फ्लुएंस भी होनी चाहिए यदि आपके नेबर्स पे ये नहीं है तो हाउ विल यू गोइंग टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस वर्ल्ड हर कुछ जो है आपके अपने घर से स्टार्ट होता है देअर हम यह कह सकते हैं कि विदाउट ड्यूरिंग प्राइमेसी इन वंस नेबरहुड

प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ इसी तरह से कहते हैं क्या अ नेशंस डेस्टिनी इज लिंक्ड टू इट्स नेबर्स अब हम लोग देखते हैं कि हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ नेबरहुड पॉलिसी तो हमारी ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से हो कि इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हो ऑन इंडियाज़ प्रेस्टीज ऑन इंडियाज़ रिस्पेक्ट सेकेंड हम बनना चाहते हैं टू बिकमिंग अ क्रेडिबल पावर ऑन दी ग्लोबल स्टेज थर्ड टू बिल्ड अ स्ट्रेटिजिकली सिक्योर नेशन पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट हार्मोनियस एंड इकोनॉमिकली कॉपरेटिव नेबरहुड और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमने टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जो कि कुछ इस प्रकार से जब हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं तो 1947 से नाइनटीन के दशक तक हम लोग जिस प्रिंसिपल को लेके चल रहे थे उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इसका मतलब होता है क्या बिल्कुल वर्ड से ही क्लियर है रेसिप्रोसिटी मतलब रेसिप्रोकल बिहेवियर मतलब हम जिस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं आपको भी उसी तरह से हमारे साथ बिहेव करना होगा सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी नेबर्स सुड रेसिप्रोकेट देनिफिट्स ऑफ रिलेशंस विथ इंडिया प्लस बींग सेंसिटिव टू इंडियाज सिक्योरिटी कंसर्न बस सिंपल सा मीनिंग है कि मान लो इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये रिलेशंस है यदि हमारे और श्रीलंका के बीच रिलेशंस है और इस रिलेशन से श्रीलंका को हंड्रेड रुपीज़ की बेनिफिट हो रही है तो टेक्निकली इंडिया को भी हंड्रेड रुपीज़ की बेनिफिट होनी चाहिए प्लस और क्या तो हमेशा श्रीलंका क्या रहेगा सेंसिटिव टू तो आवर सिक्योरिटी लेकिन इससे ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ कि हमारे पड़ोसियों के बीच जो है ना आईआर की भाषा में इसे कहते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम मतलब उसे लगने लगा कि इंडिया अपने आप को हर जगह जो है ना एक बड़े भाई के तरह का तो हालांकि बड़े भाई होना एक अच्छी बात है लेकिन इसे वो निगेटिव सेंस में समझ रहा था बड़े भाई का मतलब क्या कि इंडिया की जो है अनपैरल ग्रोथ हो रही थी अनपैरल जो है ट्रेड में वो आगे था मतलब क्या इंडिया हैज़ बिन एक्यूज ऑफ प्लेइंग दी रोल ऑफ बिग ब्रदर इन इट्स नेबरहुड इसलिए बिकॉज की असमेट्रिसिटी इन ट्रेड में था मतलब मेजरली जो है इंडिया हमेशा उसमें आगे रह रहा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का फास्ट था इंडिया का जो हार्ड पावर है वो बढ़ रहा था इसका एग्जाम्पल था कि जब 1971 में पाकिस्तान से वार होता है तो पाकिस्तान को दो टुकड़ों में विभाजित कर देता है इंडिया और एक पार्ट जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है उसके लिब्रेशन में पूरी की पूरी इंडिया के ही योगदान था तो इसकी वजह से तो हमारे पड़ोसी देशों के बीच जो है ना ये बिग ब्रदर सिंड्रोम डेवलप होने लगा उसे लगने लगा कि इंडिया कुछ अधिक ही पेश से आगे बढ़ रहा है और हम उसके पैरल में नहीं जा पा रहे हैं और इसकी वजह से जो है ना ट्रस्ट का एक गैप हो रहा था तो हमने नाइन्टीन नाइन्टीज़ के दशक में आके रियलाइज़ किया और जाके हमने प्रिंसिपल ऑफ प्रोसिटी को छोड़ा और हमने जो उसके बाद प्रिंसिपल को एडॉप्ट किया उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी बहुत सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे हम फॉलो कर रहे थे रेसिप्रोसिटी जैसा हम बिहेव करेंगे वैसा हमारे पड़ोसी भी हमसे बिहेव करें लेकिन इस चीज़ में हमने चेंज लाया बोला कि नहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है हम अपनी तरफ से जितना होगा करेंगे आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए इसे गुजराल डॉक्ट्रीन भी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी को गुजराल डॉक्टरीन भी कहते थे बिकॉज इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इंद्र कुमार गुजराल जो कि उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे इन द दे एच डी देवगौड़ा गवर्नमेंट 1996 से 1997 में वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहते हैं हालांकि बाद में चल के गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं ट्वेल्थ प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के वो रहते हैं 1997 से 1998 तक और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या इसका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी तो वाइल डेवलपिंग गुड रिलेशंस विथ आवर नेबर्स और इस नेबर्स में हमने किस नेबर्स को रखा तो बांग्लादेश भूटान मालदीव्स नेपाल एंड श्रीलंका इसमें पाकिस्तान और चाइना इंक्लूडेड नहीं है ध्यान में रखना है तो इन कंट्री से जब हम रिलेशन बनाएंगे तो व्हाट एवर जो कुछ भी हेल्प होगा हम वो हेल्प अपने नेबर्स को पहुंचाएंगे एक्सटेंड करेंगे इसके बदले में लेकिन हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वी सल नॉट एक्सपेक्ट द रेसिप्रोकल बिहेवियर ऑफ ऑल दी टाइम इसीलिए जब हमने आपको याद होगा जब हम इंडिया नेपाल रिलेशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग तो आपने देखा होगा इंडिया ने कई सारे डेवलपमेंटल असिस्टेंस वर्क वहाँ पे हमने चलाया बिक ओनली बिकॉज कि इसके बाद से नाइनटीन नाइन्टीज़ के बाद के दशक से हम जिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो हमारे पड़ोसी देश के बीच तो ये पॉलिसी को ही कहते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन जो कि अक्सर आप न्यूज़ पेपर में मैगजीन में देखने को ये मिलता है गुजराल डॉक्ट्रिन इसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इंट्रोड्यूस किया लुक ईस्ट पॉलिसी अब ये ऐसा नहीं था कि ये पॉलिसी भी चल रही है आज के समय में भी ये है लुकइस्ट पॉलिसी भी है लुक को रिप्लेस करता है एक्टिस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये चारों के चारों में से बस आप इसको कह सकते हैं कि लुक इस्ट के जगह में एक्टिस्ट आ गया बाकी ये तीनों का तीनों एक साथ ऑपरेट कर रहा है प्लेस टू प्लेस हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं लुकइस्ट पॉलिसी का मतलब क्या था तो इससे पहले तक हम बस फोकस कर रहे थे अपनी जो हमारी जो पड़ोसी कंट्री है उस पर ही बट पीवी नरसिम्हा राव का कहना था कि अब समय आ गया है बिकॉज ये समय कब का था एल का समय था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का समय था तो हमें भी अपनी जो है ना ट्रेडिंग को एक्सपेंड करना था तो नरसिम्हा राव इंट्रोड्यूस करते हैं लुकिस्ट पॉलिसी और इसके तहत वो कहते हैं कि हमें फोकस करना है आसियान रीजन पे आसियान कंट्रीज़ के साथ और उसके साथ हमें इकनॉमिक इंटीग्रेशन करना है आसियान कंट्री के मेंबर्स हैं कुछ ये टोटल ये मेंबर्स हैं जिसमें कि म्यांमार थाईलैंड कम्बोडिया सिंगापुर इंडोनेशिया लाओस वियतनाम मलेशिया फिलीपींस और बुरनोई ये कंट्रीज़ हैं और इसमें हम लोगों को हमने क्या पॉलिसी अपनाया टू गिव अ अस्ट्रेटेजिक पोस्ट टू इंडियाज़ इंगेजमेंट विथ साउथ ईस्ट एशियन रीजन इसी चीज़ में बस थोड़ी सी चेंज जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं तो बोलते देखो इस चीज़ को जो है ना और रिगरसली हमें फॉलो करना है सो लुक की वजह से जगह उसने बस नाम को चेंज कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसे भी आदत है थोड़ी सी नाम को बदलने की तो उसने लुक की जगह बोला एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसे करते हैं और मिला जुला के हमारी गोल आज भी वही है कि हमें जो है अपनी इंगेजमेंट को आसियान कंट्री के साथ इंक्रीज करनी है फिर इसके बाद जो पॉलिसी एडॉप्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसे कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और इसी पॉलिसी को समझने के लिए हमने इतनी सारी बैकग्राउंड को समझा तो अब हम लोग डिटेल से समझते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मतलब क्या होता है हालांकि इसका भी एज इट इज़ नेम में ही सारा कुछ क्लियर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कुछ भी चीज़ हम जब बेनिफिट एक्सटेंड करेंगे तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसका रहेगा तो हमारे पड़ोसी देशों का रहेगा हमारे पड़ोसी जो भी हैं पाकिस्तान से ले अफगानिस्तान से ले नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव्स इन सभी को हम वो बेनिफिट सबसे पहले पहुंचाएंगे तो इसमें देखते हैं इस क्या क्या हमने अभी तक किया है तो कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या था इज़ टू हैव स्पेशल फोकस एंड अटेंशन ऑन नेबरिंग कंट्रीज़

उसके बाद जो कुछ भी विवाद होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे संवाद करेंगे चाहे छोटी से छोटी कुछ भी डिस्प्यूट हो चाहे वो वाटर डिस्प्यूट हो तो इन सब चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे संवाद करेंगे दैट इज़ डायलॉग फिर हम लोग ये चाहेंगे कि शांति बनी रहे पीस स्टेब्लिस्ड रहे तो शांति फोर्थ वन इज समृद्धि दोनों कंट्री जो भी है हमारे पड़ोसी भी डेवलप करे हम भी डेवलप करे प्रोस्पेरिटी एंड संस्कृति कल्चर ये फाइव सी से आपको याद रखना है सम्मान संवाद शांति समृद्धि एंड संस्कृति एंड ये हमारी फाइव प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसके बाद है क्या और हम क्या चाहते थे इंडिया वांट्स टू डेवलप अ वेव ऑफ इंटरडिपेंडेंस इन इट्स नेबरहुड ताकि हर कंट्री जब देखो जब कभी भी हर कंट्री आपस में जुड़े रहते हैं तो फिर अधिक कॉन्फ्लिक्ट का सवाल नहीं उठता है सपोज करो कि इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड एक काफ़ी अच्छा लेवल पे चले कि हम में भी डेली डेली टू डेली बेसिस पे पाकिस्तान की गुड्स की जरूरत हो पाकिस्तान को हमारी जरूरत हो तो बहुत कम चांसेस होगा कि फिर हम दोनों में मतलब मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो और हम दोनों की बीच की बातें बंद हो जाए इसलिए जब भी हमारी इंगेजमेंट बढ़ी नहीं रहेगी एक वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस हो जाए कि हमारे बिना ना वो जिंदा रह सकते हैं ना उसके बिना हम रह सकते हैं तो ऐसे सिचुएशंस में फिर क्या होता है लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तो यही हम भी चाहते थे और अब इस चीज़ को देखिए कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे और क्या मन में था हमारे प्रधानमंत्री साहब में कि कि जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में इलेक्ट होके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में वो क्या करते हैं सबसे पहले ऑल दी सार्क लीडर को इनवाइट करते हैं किस लिए कि ओथ टेकिंग सेरेमनी में आइए और आप भी साथ रहिए और आज के बाद हम लोग साथ मिल काम करेंगे तो अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में सभी सार्क लीडर को बुलाते हैं और सार्क लीडर में कौन कौन से टोटल एट मेंबर हैं सार्क लीडर में जिसमें कि ऑलमोस्ट हमारे सारे आ, हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें अफगानिस्तान है बांग्लादेश है भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका इन सभी को हमने इन्वाइट किया दो के सेरेमनी में उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का जब फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट होता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है या इस्ट्रेटिकली ये ये शो भी करता है इंटरनेशनल रिलेशन में कि आप फर्स्ट विजिट कहाँ जा रहे हैं इससे ये पता चलता है कि आपकी आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है तो जब हम प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में इलेक्ट होकर आते हैं तो उसका फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट भूटान रहता है उसके बाद नेपाल तो ये भी दिखाता है कि वो कितना चाह रहे थे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना उसके बाद क्या होता है क्या आ, ऑल बिमस्टेक लीडर जितनी भी हैं बिमस्टेक में टोटल सेवन मेंबर्स हैं जो कि फाइव कंट्री आते हैं साउथ एशिया से जिसमें कि बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल श्रीलंका और टू आता है साउथ ईस्ट एशिया से जिसमें म्यांमार एंड थाईलैंड है एंड मॉरिसस एंड किर्गिस्तान वे आर इन्वाइटेड फॉर ओथ टेकिंग सेरेमनी इन टू ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है ये सेकेंड टर्म था सेकेंड टर्म जब दो में वो जीत के आते हैं यहाँ से थोड़ा एक पॉइंट समझने की बात है ये था जब 2014 के ऑनवर्ड में जीत के वो आते हैं और इसके बाद तो आपको इसमें से एक कंट्री मिसिंग दिख रहा होगा इसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्री हैं बट 2019 में जो है यहाँ पे कहीं पे भी आपको पाकिस्तान नहीं देखने को मिल रहा होगा इसमें पाकिस्तान को हमने एक्सक्लूड किया इसके पीछे रीज़न था तो, देखो दो में हमने सभी को इन्वाइट किया इसके बाद भी क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाह रहे थे कि हमारा पाकिस्तान से अच्छा रिलेशन बना रहे वो 2015 का एक इवेंट आपको फेमसली याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर मोदी रातों रात क्या होते हैं नवाज़ शरीफ की ग्रैंड डॉटर की वेडिंग होती है तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंच जाते हैं बस इसलिए कि ताकि दोस्ती अच्छी बनी रहे लेकिन इसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया तो पाकिस्तान ने क्या किया आपको याद होगा कि जब वो 2016 में आई थिंक वो डेट था 18 सितंबर का 2016 में पाकिस्तान उड़ी अटैक करता है हमारे आर्मी के जो है बेस पे वो अटैक करता है और टोटल 19 सोल्जर्स की क्या होती है डेथ हो जाती है इससे इंडिया में काफ़ी मतलब रोस उत्पन्न होता है पाकिस्तान के खिलाफ 19 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं इसके बाद फिर पाकिस्तान एक पाकिस्तान का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन फोर्टीन फरवरी को आपको तो याद होगा फोर्टीन फरवरी टू थाउजेंड नाइनटीन को पाकिस्तान क्या करता है पुलवामा अटैक करता है और इसमें चालीस हमारे जवान शहीद हो जाते हैं ये पूरे देश में मतलब जो है एक पूरी देश ने इसे जो है इस क्रूरतापूर्ण जो एक्टिविटीज़ किया इसको सब ने क्रिटिसाइज किया इसके बाद इंडिया ने भी आ, सोचा कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है तो इसके बाद हमने पाकिस्तान को कीप असाइड कर दिया इसीलिए जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जीत के आते हैं तो ओथ टेकिंग सेरेमनी में सबको तो बुलाते हैं लेकिन इसमें पाकिस्तान को अब हम लोग छोड़ के चल रहे थे आवर ऑल नेबरहुड माइनस पाकिस्तान तो यही बात था इसमें हमने कुछ और कंट्री को इनवाइट किया जैसे मॉरीस एंड किर्गिस्तान को भी इनवाइट किया मॉरीस और किर्गिस्तान हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है दोनों की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है आप किर्गिस्तान को यहाँ देख सकते हैं इट इज़ किर्गिस्तान एंड मॉरीस यहाँ पे नीचे में छोटी सी कंट्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वन इज़ मॉरीस इंडिया के लोकेशन से कंपेयर कीजिए यहाँ पर इंडिया है इंडिया से ये यहाँ पर रहा मॉरीस मालदीव और श्रीलंका हमारा नेबर्स है बट मॉरिसस इज आवर एक्सटेंडेड नेबर एंड किर्गिस्तान इज ऑल्सो नेबर हमने इन दोनों कंट्री को भी इन्वाइट किया उसके बाद सेकेंड टर्म में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो फर्स्ट इंटरनेशनल विजिट होता है तो इस बार मालदीव्स और श्रीलंका अगेन वो कंट्री पहुंचते हैं मालदीव्स एंड श्रीलंका और ये अगेन शो करता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रिमेंस दी क्रेडो ऑफ न्यू गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट हर हाल में वो चाहते हैं कि अपने पड़ोसी देश को इम्पोर्टेंस देना तो ये फिर से असरटेन कर देता है क्या कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रिमेंस द क्रेडो ऑफ न्यू गवर्नमेंट एंड इंडिया हैज़ टेकन द लीड टू फॉर्म सार्क एमरजेंसी फंड फॉर कोविड और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था जब कोविड आया तो कोविड में जो सार्क कंट्री जिसमें हमारे सारे नेबर्स हैं तो इंडिया ने सार्क इमरजेंसी फंड में वन मिलियन डॉलर जो है डोनेट किया फॉर कोविड रिलीफ के लिए उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन संजीवनी चलाया जिसमें इंडिया ने सिक्स पॉइंट टू टन इसेंशियल मेडिसिन जो है मालदीव को भेजा ड्यूरिंग कोविड के समय हमने मिशन सागर लॉन्च किया ये मे टू 2020 में हमने लॉन्च किया मिशन सागर इंडियाज इनिशिएटिव टू डिलीवर कोविड नाइन्टीन रिलेटेड असिस्टेंस टू द कंट्रीज इन द इंडियन ओशियन रीजन में जो भी कंट्री था उसमें मालदीव्स मॉरीस में डगास्कर कॉमड़ोस एंड सेसल्स यहाँ पे सबकी लोकेशन यहां पे है यहाँ पे कॉमड़ोस है सेसल्स यहाँ पे हो गया आपको मॉडिश में डगास्कर तो इन सब कंट्री में हमने जो है कि कोविड नाइन्टीन असिस्टेंस रिलीफ हमने यहाँ पे भेजा जो जिसे हम कहते हैं मिशन सागर और इन सब से फिर से आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक हमारी न्यू गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अंडर में जो चल रहा है वो नेबर्स को कितना वो अटमोस्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं इसलिए कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और यहाँ पे एस जयशंकर साहब का एक बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है आप जब कभी भी एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं बिकॉज ये चालीस साल तक तो खुद ये सेक्रेटरी रहे हाँ एक्सटर्नल अफेयर्स में सो so, अभी ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं तो इनके स्टेटमेंट बहुत आ, बहुत पायोरिटी रखती है तो ये कहते हैं क्या इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मीन्स दैट एज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द रीजन वी मस्ट टेक द लीड मस्ट गो एक्स्ट्रा माइल हमें खुद आगे बढ़ के चलना होगा वी मस्ट गो एक्स्ट्रा माइल मस्ट बी नॉन रेसिप्रोकल अब आई थिंक ये टर्म समझ में आ रहा होगा मस्ट बी नॉन रेसिप्रोकल मतलब गुजराल डॉक्टरीन मस्ट बी जेनीरियस होना पड़ेगा मस्ट इन्वेस्ट इन आवर नेबरहुड जैसा कि हम नेपाल में करते हैं अफगानिस्तान में करते हैं वी शुड बी एबल टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट सो दैट नेबरहुड रिमेन्स बाउंड टू अस एंड सेंसिटिव टू आवर कोर सिक्योरिटी कंसर्न वी इन टर्न गो एक्स्ट्रा माइल इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट एस्पिरेशंस सो so, ये पूरी कहानी थी इंडिया इंडियाज सॉरी हाँ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ये हमने पूरी इसकी बेसिक समझी अब चलते हैं मैगजीन में देखते हैं कि मैगजीन क्या कहता है इसके बारे में तो अभी न्यूज़ में इसलिए था कि ट्वेंटी सेकेंड रिपोर्ट जो है ऑफ द कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी वाज सबमिटेड टू द पार्लियामेंट पार्लियामेंट में कई तरह की कमेटी है तो कमेटी बनती है वो कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स पे बाईसवा रिपोर्ट सौंपा गया है पार्लियामेंट को इसके बाद जो है बाकी वही सब चीजें जो हमने डिस्कस किया इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी क्या है तो वही कहता है ये पॉलिसी जो है बेस्ड ऑन कंसल्टेटिव नॉन रेसिप्रोकल आउटकम कम अप्रोच विथ इंडियाज नेबर आई थिंक क्लियर होगा इट यूजेस uh, हम लोगों ने ऑलरेडी इस पॉइंट को भी नोट्स से देखा कि ये जो किस प्रिंसिपल पे चलता है सम्मान संवाद शांति समृद्धि संस्कृति फॉर बेटर इंगेजमेंट द पॉलिसी इज टू हैंडल इंडिया एक्सटर्नल थ्रेट बेटर अचीव नेसेसरी सपोर्ट इन मल्टीलेटरल फॉरम देखो यहाँ से एक दो पॉइंट है जो कि याद इसे समझने वाली बात है ये पॉलिसी का और क्या बेनिफिट्स हो सकता है तो जो भी एक्सटर्नल स्टेट थ्रेट है जैसे कि मान लो नक्सलिज्म है टेररिज्म है टेररिज्म इन द हमारे मतलब जम्मू कश्मीर वाले रीजन में तो उन सब चीज़ से टैकल करने के लिए यह इंडिया को एक एक्स्ट्रा एज देगा उसके बाद अचीव नेसेसरी सपोर्ट इन मल्टी लेटरल फोरम जैसे कि आपको पता है अभी जितने भी मल्टी लेटरल ऑर्गेनाइजेशन हैं वेदर इट इज़ वर्ल्ड बैंक हो वैदर इट इज़ आई एम एफ हो वैदर इट इज़ यू एन एस सी हो इन सभी में बहुत अधिक रिफॉर्म की आवश्यकता है आपको पता है ये सब बहुत काफ़ी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी दबदबा अमेरिका का था तो उन चीज ये 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 सब ऑर्गेनाइजेशन में तो है कि अमेरिका की काफ़ी वोटिंग पावर है तो इसमें रिफॉर्म की अलग ज़रूरत है डब्लू टी ओ में रिफॉर्म की जरूरत है डब्ल्यू एच ओ में रिफॉर्म की जरूरत है यू एन एस सी में इंडिया को परमानेंट सीट की ज़रूरत है तो यहाँ पर चाइना अड़ंगा डालता है तो इन सब जगह सपोर्ट के लिए ताकि यहाँ पर सारा काम होगा वोटिंग सिस्टम से तो ये जगह पे जब हमारी हमारी खुद की नेबर्स हमारे सपोर्ट में रहेगी मैक्सिमम कंट्री हमारे सपोर्ट में रहेगी तो हम लोगों को वहाँ पे अपना वॉइस रेज करने में बेनिफिट होगा बाकी रेस्ट ऑफ थिंग चैलेंजेज क्या है इंडियाज़ नेबरहुड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू इंडियाज़ नेबरहुड कहता है क्या वॉलेटिलिटी इन द नेबरहुड एग्जाम्पल म्यांमार एंड पाकिस्तान आर फेसिंग क्राइसिस इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि उनके ख़ुद के कंट्री में हमेशा प्रॉब्लम रहता है पाकिस्तान आज़ादी का लगभग सेवेंटी फाइव प्लस ईयर हो चुका है आज तक कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे फाइव ईयर का टर्म पूरा नहीं कर पाया तो हमेशा वहाँ पे वॉलेटिलिटी बना हुआ रहता है तो जिसकी वजह से और यदि आप डेफ्थ एनालिसिस करेंगे तो पाकिस्तान इंडिया का रिलेशन डिटोरिएट होने में ना तो आम पब्लिक का उतना बड़ा मतलब वो है वो जिम्मेदार है उनके लिए पब्लिक भी ठीक है गवर्नमेंट भी वहाँ पे लगभग चाहती है कि इंडिया से अच्छा रिलेशन बना रहे इसमें जो मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है ना जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसके पास अटमोस्ट पावर रहती है वो किसी भी गवर्नमेंट को पाँच साल चलने नहीं देती उसका तख्ता पलट कर देता है और ये शासन को अपने कंट्रोल में ले लेता है जिसकी वजह से और ये कभी चाहता भी नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी के इंडिया से अच्छे रिलेशन बने तो खुद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में और म्यांमार में भी अभी वही सेम चल रहा है मिलिट्री ने अपने हाथों में शासन ले लिया इकोनॉमिक क्राइसिस मेजर इशू था अभी अभी आपने श्रीलंका में देखा इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में कुछ साल कुछ दिन पहले था जो कि इतनी अधिक वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई फॉरेक्स रिजर्व पूरा ख़त्म हो गया कुछ एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए पैसा नहीं था तो ये प्रॉब्लम था बॉर्डर इशू मेजर इशू बन जाता है सब कुछ जब सही होता है तो सब आ, जैसे कि हमारे आ, पाकिस्तान के साथ कश्मीर वाला इशू है चाइना के साथ अलग बॉर्डर इशू है थोड़ा सा कभी कभी नेपाल को दौड़ा चढ़ता है तो नेपाल भी हमारा काला पानी लिपू लेक लिंपिया दौड़ा वाला रीजन को अपने में शामिल कर लिया इसे भी कभी कभी थोड़ा पगला जाता है चाइना का अलग मूड है बांग्लादेश कभी कभी अलग डिमांड करने लगता है तो सब थोड़ा सा ये बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से थोड़ा इशू हो जाता है इसमें ये चैलेंजेस है उसके बाद इनफिल्ट्रेशन एंड इमीग्रांट ईशूज़ अभी आपने देखा कि जब हम एन ला रहे थे तो असम में कई सारे जो है ना बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इंडिया आए हुए हैं आफ्टर नाइनटीन सेवेंटी वन तो वो एक मेजर इशू बन जाता है और रिवर सेरिंग वाटर जै, जैसे इंडस हो तो इंडस में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है तिस्ता वाटर में इंडिया बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट्स हैं तो कुछ इस तरह की चैलेंज़ हैं ताकि हारमोनियस रिलेशन मेंटेन्ड लॉन्ग टाइम तक के लिए रह नहीं रह पाता है हमारे पड़ोसी के बीच उसके बाद कहता है क्या कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस है फॉर बेटर नेबरहुड पॉलिसी तो कमेटी इसमें हमें बताती है इम्प्रूव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाइए ताकि जो है क्या आ, कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए और बाकी इलीगल ट्रेड ना हो पाए इम्प्रूविंग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब कभी भी जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो तो सरकार भी मतलब चूँकि सरकार कौन बनाते हैं पीपल बनाते हैं जब पीपल के बीच में मोहब्बत रहती है तो सरकार भी जो है क्या उसके दिशा में अच्छा ही सोचता है देन आफ्टर कीपिंग डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन हाँ ऑलवेज जब कभी भी देखो कोई भी प्रॉब्लम्स हो जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं होगा चाहे वो डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो या यदि वार्ड भी होता है तो वार्ड की भी जो है क्या आफ्टर उसके बाद डायलॉग से ही वो वार्ड शांत होता है तो इससे अच्छा है कि पहले आप डायलॉग कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है तो डिप्लोमेटिक डोर्स ओपन रखिए जब कभी भी कोई प्रॉब्लम में हो हमारा तो ह्यूमेटेरियन असिस्टेंस भेजिए जैसे हमने कोविड में बहुत सारा हेल्प किया सिक्स पॉइंट टू टन्स जो है मेडिसिन भेजा तो इस तरीके से देन आफ्टर कंक्लूजन कहता है क्या द नेबरिंग कंट्रीज आर बॉन्डेड बाई फैक्टर्स लाइक हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज एंड जोग्राफी एंड देयर पॉलिसीज हैव म्यूचुअल इम्प्लीकेशंस सो ट्राइंग टू मेंटेन कॉर्डियल रिलेशनशिप विद इज इसेंशियल टू हेल्प इंडिया स्ट्राइव बेटर इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल पे बिकॉज हमने बात किया अभी कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जब हम समझेंगे तो समझेंगे कि हम कितना प्रायोरिटी देते हैं अपने नेबर्स को तो वैसा ही एक हमारा नेबर्स है श्रीलंका जो कि अभी कुछ दिनों पहले मेजर क्राइसिस में था अभी थोड़ा उसकी स्थिति सही हुआ है तो नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया श्रीलंका रिलेशन देखो इसमें भी मैं चाहता हूँ क्या इंडिया श्रीलंका रिलेशन को मैं इसमें बहुत कम बिल्कुल शॉर्ट में मैं थोड़ी इसकी बेसिक्स को बताता हूँ बिकॉज इसका जो है ना अलेवेंथ चाहे वो अमेंडमेंट हो चाहे थो तो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है अलेवेंथ अमेंडमेंट तमिल इशू फिशरमैन इशू देखो इस आर्टिकल में भी है कहाँ का फिशिंग डिस्प्यूट ये में जो है आ, मेजर इशू है यहाँ पर ट्रस्ट डिफिसिट है क्यों ट्रस्ट डेफिसिट है क्या तमिल इशूज़ है बहुत कम समय में मैं इसे कवर करूंगा आपसे बस ऊपर ऊपर की बातें करके ताकि इसमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाए और इसी तरीके से इसी करंट अफेयर्स के सीरीज़ में मेरा ये कोशिश रहेगा कि जितनी भी फॉरेन पॉलिसी आईआर की जो मेजर मेजर सिलेबस है मैं इसके साथ कवर कर दूं जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा हमने इंडिया यूएसए को कंप्लीट डिटेल में पढ़ा जिसमें कि अब कुछ भी वैल्यू एडिशन की जरूरत नहीं है ओनली करंट अफेयर्स आपको ऐड करना है स्टैटिक पूरा कंप्लीट था इंडिया नेपाल हमने कवर किया आज आपने देखा कि हमने ये हमारी जितनी फॉरेन पॉलिसी में से आवर नेबरहुड पॉलिसी है वो भी डन हो गया अभी हम लोग इंडिया श्रीलंका को समझते हैं आप अपनी ए फोर सीट में ये नोट्स तो आप जरूर बना लेंगे मैं इस पी को अपलोड कर दूंगा आप इससे नोट्स मस्ट बनाना है ईच एंड एवरी पॉइंट आपके ओन राइटिंग में होनी चाहिए ये दो तीन पेज ओनली है और आप इतना सा यदि कर लेंगे तो बिलीव मी इसके बाद आपको इंडिया श्रीलंका के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा बेसिक्स के लिए नहीं करना होगा स्टैटिक पोर्सन के लिए कुछ नहीं करना होगा ओनली करंट अफेयर्स को ऐड करना होगा तो समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में करके मैं बहुत सारे पार्ट को बस स्किप करके आपको जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ देखो है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और श्रीलंका ये लगभग पच्चीस सौ साल पुराना है आज से नहीं आपने सुना होगा जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उसमें अशोक अपने महेंद्र वर्मन और संगमित्रा को कहाँ भेजते हैं श्रीलंका भेजते हैं ऊपर उसके बाद तो और पुराना जब जाएंगे रामायण के सीजन में तो रामायण के काल में तो रावण श्रीलंका से बिलोंग करता था माता सीता को हरण करके वो वहाँ ले गया था ये सभी इंडिया श्रीलंका के बीच हमारी रिलेशन है इसमें कुछ मेजर पॉइंट नहीं है इन रिसेंट ईयर्स रिलेशनशिप हैज बीन मार्क्ड बाय क्लोज कॉन्टैक्ट एट ऑल लेवल हमेशा लगभग हमारे और उसके बीच अच्छा रिलेशंस रहा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ ग्रोन कॉपरेशन इन द फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन कल्चरल डिफेंस ये भी ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें श्रीलंका ऑक्युपाइज सेंट्रल प्लेस ऑक्युपाई करता है इन इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इसलिए मैंने बताया था पहले नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी होना चाहिए बिकॉज इससे आपको लिंकेजेज होगा सेंट श्रीलंका उसके सेंट्रल प्लेस में इंडिया श्रीलंका रिलेशंस हैव बिन फ्रेंडली फ्रेंडली रहा है बट 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 वेयर कंट्रोवर्सियल अफेक्टेड बाई श्रीलंकन सिविल वॉर जब श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड था उसकी वजह से थोड़ा दोनों कंट्री के बीच खटास आया इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो है क्या कई सारे विरोध के विरोध उठा उसके खिलाफ और इसी वजह से हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को जान से हाथ धोना पड़ा और वो आज इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ कि श्रीलंकन सिविल वार क्या था इसी सिविल वार को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बस समझेंगे तो इशू कहाँ से स्टार्ट होता है तो ये पूरी की पूरी इशू को आप तमिल इशू के हेडलाइन में आप इसे समझ सकते हैं ये श्रीलंका का मैप है जिसमें कि ये जो आपको यहाँ से बस दो अब एक एक करके पॉइंट यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझना है थोड़ा पॉज करके ब्रेक लेके समझिए यहाँ से देखो ये श्रीलंका का मैप है ये जो आप रेड वाला एरिया देख रहे हैं इस रीजन में जो रहते हैं श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन रहते हैं कौन रहते हैं यहाँ पे ये वाले रीजन में श्रीलंकन तमिल बिकॉज ये इंडिया से यहाँ पे तमिलनाडु है स्टेट तो ये सारे रीजन में तमिल रहते हैं और ये जो मेजर पोर्शन दिख रहा है करीब सेवेंटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन जो है ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट है। और इन्हीं दोनों के बीच में जो क्लेसेस हुआ इसी चीज को हम लोग जानते हैं श्रीलंकन सिविल वॉर थोड़ा और डिटेल में समझते हैं क्या हुआ था कहते हैं देर आर मल्टीपल रिलीजियस एंड एथनिक फॉल्ट लाइन इन श्रीलंका हाँ ठीक है इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी है कहते हैं मेजरली किसके बीच में ये जो था रिलीजियस uh, फॉल्ट था तो है क्या हाँ, वहाँ पर जो है आपको तमिल्स एंड बुद्धिस्ट सिन्हलीस जो ये रीजन में जो बुद्धिस्ट रहते थे उसे सिन्हलीस कहते थे और इस रीजन में हिंदू और श्रीलंकन तमिल्स यहाँ पे सॉरी हिंदू एंड क्रिश्चियन तमिल्स जो थे वो कुछ हिंदू भी थे कुछ क्रिश्चियन भी थे कुछ मुस्लिम्स भी थे मेजरली आप समझिए तमिल और बुद्धिस्ट सीन में यहाँ पे दोनों में कंट्रोवर्सी चल रहा था दोनों में लड़ाई फाइटिंग चल रहा था इसके पीछे रीजन क्या था इसके पीछे खुद सरकार जिम्मेदार था सरकार ने इस तरह के प्रोविजन कर दिया था जिसकी वजह से दोनों को मेजरली तमिल पीपल को सामने आना पड़ा हथियार उठाना पड़ा क्या हुआ था तमिल स्पीकर्स ऑफ ऑल रिलीजियंस आर कंसट्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट जैसा कि मैंने भी बात किया इस रीजन में सारे तमिल हैं एंड उसके बाद कहता है क्या एंड द एरियाज क्लेम्ब्ड बाय एल टी टी ई इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से समझना है कौन है यहाँ पर एल टी टी ई इसका मतलब होता है लिब्रेशन टाइगर तमिल इलम तमिल इलम इसे आप शॉर्ट में कह सकते हैं एज देअर होम लैंड यह मानता था क्या ये इसका अपना होम लैंड है ये तमिल लोगों का एंड सिन्हलीज आर कंसर्ट्रेटेड इन साउथ वेस्ट इस रीजन में इस रीजन में सिन्लीज हुआ करते थे कहता है कि फॉर इंडिया वट एवर हैपेन्ड इन श्रीलंका डायरेक्टली अफेक्टेड द पॉपुलेशन ऑफ तमिल्स इन द तमिलनाडु बिकॉज इमोशनली अटैच होते हैं आज भी जैसे सपोज करो कि इफ़ यू आर हिंदू एंड किसी हिंदू को मान लो कुछ पीपल मारते हैं पाकिस्तान में आप इमोशनली उससे कनेक्टेड होते हैं द सेम वे इंडियन तमिल्स आर डीपली अटैच विद द वट एवर एट्रोसिटी हैपनिंग ऑन द तमिल्स इन द श्रीलंकन और थोड़ी स्टोरी को अब जाके क्रोनोलॉजी वे में स्टोरी को समझिए कि प्रॉब्लम सिविल वार कैसे अराइज होता है सेम हम 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंस होता है एंड देन केम मेजोरिटी पॉलिटिक्स एंड अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इसके बाद गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है लेकिन इतना ऐसा ऐसा पॉलिसीज लाती है श्रीलंकन गवर्नमेंट जो कि हर वे में तमिल जो माइनॉरिटी यहाँ पर रहता है उसको क्या किया जाता है डिसएडवांटेज ग्रुप बनाया जाता है उसके साथ भेदभाव किया जाता है क्या क्या किया ऐसा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सबसे पहले 1948 फोर्टी एट सिलोन सिटीजनशिप एक्ट लाया सिलोन पहले श्रीलंका का नाम हुआ करता था पहले श्रीलंका नहीं था पहले सिलोन था, था उसने लाया श्रीलंकन सिटीजनशिप एक्ट जिसमें कि उसने क्या किया सात लाख इंडियन ओरिजिन तमिल्स को स्टेटलेस कर दिया उसकी नागरिकता ही हटा दी सोचो कितना बड़ा आक्रोश उत्पन्न होगा पहला पॉइंट तो ये था सेकेंड क्या करता है वो 1956 में सिंहलीज वनली एक्ट लाता है जो रिप्लेस करता है इंग्लिश लैंग्वेज को बोला अभी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होगा पहली बात तो और तो और बोला कि जो सिन्हाला होगा वही एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज होगा सब देखो कितनी बड़ी ये मतलब भेदभाव है कि जो लगभग फिफ्टीन परसेंट तमिल हैं वो अब जो वो तो सिन्हली जानते नहीं हैं लेकिन क्या किया इंग्लिश को भी हटा दिया और सिन्हला को वनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया इसकी वजह से जो है सभी तमिल आक्रोशित हो उठे सभी ने हाथ में तमिल हथियार उठा लिया और एल -E जैसे जिसको लिट्टे कहते हैं लिट्टे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है अभी तो कहानी इतनी ही थी और समझिए देखिए क्या होता है आगे नाइनटीन सेवेंटीज़ में प्रिफ्रेंशियल यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है श्रीलंका में जिसमें क्या होता है पॉलिसी ऑफ स्टेंडाइजे स्टेंडाइजेशन अपनाया जाता है जो कि डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट फिर से तमिल के साथ इन द रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब और यूनिवर्सिटी एडमिशन प्लेसेस इन द इंस्टीट्यूशनलाइज इथनिक डिस्क्रिमिनेशन फिर से तमिल के साथ होता है यहाँ पे तमिल को नीचे रख के फिर से सिनहलीज़ को सिनहला वहाँ का लैंग्वेज था उसी की वजह से इसको सिनहलीज़ कहते हैं जो बुद्धिस्ट इस रीजन में था तो यहाँ पर फिर से तमिल के साथ तमिल लोगों के साथ जब यूनिवर्सिटी जॉब में होने लगा तब जाके फिर उसके बाद ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड कोलोनाइजेशन इन द नॉर्थ एंड ईस्ट बाय सिन्हाला फार्मर्स एराउस्ड तमिल रेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ क्या ये जो तमिल रीजन में क्या था तमिल रीजन में सिन्लीज लोगों को क्या किया जा रहा था तमिल का प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा था किसको को सिन्हालीज को ये भी एक प्रॉब्लम ये भी पॉइंट बना ये सब पॉइंट इतना बड़ा मेजर इशूज़ था जो कि तमिल के लिए कुछ नहीं छोड़ा था तमिल के राइट्स के लिए इसके बाद आता है एक मतलब समझिए वहाँ के लिए एक तरह का वो टाइगर ही था जिस तरह का मतलब इसके जो हेड थे नाइनटीन सेवेंटी फॉर्मेशन होता है लिब्रेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम जिसको कि लिट्टे कहते हैं और इनके हेड थे प्रभाकरण आप इसका जो है ना प्रभाकरण का बायोग्राफी पढ़ सकते हैं आ, ये स्टडी आई में आई थिंक उसमें एक बहुत अच्छा वीडियो है कभी आप उसका सुनिएगा प्रभाकरण का, का। बहुत ही गजब के प्रतिभावान व्यक्ति थे और उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जीवन फाइट ही करते रह गया और उसके बाद जो है Uh, इतना सारा यहाँ पे फाइटिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे किया वनली फॉर द तमिल्स के uh, अधिकार के लिए लिट्टे का ऑर्गेनाइजेशन बनता है और नाइनटीन एटी थ्री में एन आर्म्ड स्टार्टेड बिटवीन लिट्टे एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है नाइनटीन एटी सेवन में और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है श्रीलंका uh, में और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है एक अकॉर्ड साइन करता है दैट इज नोन एज इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड और इस अब यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज होगी जब 1987 में और इस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे 1987 में जब इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड साइन होता है इस अकॉर्ड की इन 1987 अकॉर्ड आई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है कहाँ पे श्रीलंका में एज अ ऑपरेशन पवन टू डील विथ लिट्टे इस लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए इसको और एक तरह से कही हाँ ये कह सकते हैं खत्म करने के लिए डील तो करना नहीं था बिकॉज यह एक तरीके का नॉन स्टेट एक्टर था श्रीलंका के लिए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसके लिए हंड्रेड इंडियन सोल्जर को वहां पे जो जब जाते हैं ऑपरेशन पवन में चूंकि वो <coughs> सॉरी वो इस तरह का टेरेन है श्रीलंका फ्यूज बड़ी बड़ी जो है ना वहां पे फॉरेस्ट वाला एरिया में वेट अ सेकेंड मैं थोड़ा पाउस लूंगा गले में वो प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग बात कर रहे थे क्या नाइनटीन एटी सेवन में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है एज अ ऑपरेशन पवन टू डील विथ लिट्टे लेकिन इसमें से क्या होता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेन टेरेन बिल्कुल ह्यूज जो है ना वो ट्रॉप इक्वटोरियल फॉरेस्ट प्लस इतनी वहाँ पे घना फॉरेस्ट रहता है जिसकी वजह से लेटे को वो चूँकि वो तो गुड़ला वारफेयर करता था तो उनको सब एरिया का पता था बट इंडियन सोल्जर्स को पता नहीं था तो ऑलमोस्ट 1600 इंडियन सोल्जर ने अपना लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया और वो वहाँ पे उनकी जो है क्या शहीद हो जाते हैं और 1990 में इंडियन गवर्नमेंट ने आई को वापस बुला लिया बिकॉज लिट्टे वो इस तरह से वहाँ पे उसको पूरी की पूरी एरिया के बारे में जानकारी थी और उस वहाँ पे ना कोई मैप है ना सड़क है तो वहाँ पे इंडियन आर्म्ड फोर्स वहाँ पे ऑपरेट सही से नहीं कर पा रहा था लेकिन एक चीज़ थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं आ, इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमें जो है आई भेजना पड़ा तो बस दो मिनट में समझते हैं वट इज़ इन द इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड ये देखो इस अकॉर्ड में जो है इन दोनों गवर्नमेंट ने कुछ डील इस तरह से साइन किया दिस एकॉर्ड अटेम्प्ट टू एड्रेस द क्राइसिस इन पीसफुल मैनर बाय प्रोवाइडिंग अ सफिसियंट ऑटोनोमी टू नॉर्दर्न रीजन विदाउट स्प्लिटिंग अप द नेशन तो इंडियन गवर्नमेंट का इसमें स्टैंड था क्या कि अब देखो चूंकि लिट्टे का मानना था कि वो बिल्कुल अलग देश चाह रहा था पार्टीशन करके ये जो है ये अपने लिए एक अलग कंट्री का डिमांड कर रहा था तो इस अकॉर्ड एकौर्ट के अकॉर्डिंग बोला कि नहीं देखो कुछ की वो देश का तो पार्टीशन नहीं होगा जो भी क्राइसिस है उसे पीसफुल तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको जो है अब क्या किया जाएगा उस एरिया को सफिशियंट ऑटोनमी दे दिया जाएगा मतलब श्रीलंका के ऑटोनमी का मतलब क्या हुआ आप अपने लिए चलो आपके साथ जो भेदभाव किया गया है उसको अब हटाते हैं आपको आपको अपना सब राइट्स मिल जाएगा आप अपने एरिया में जो चाहते हैं जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो लिट्टे कर सकता है मतलब वहाँ पर चुनाव होगा तमिल को राइट दिया जाएगा सब कुछ उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा ये कुछ इस तरह का प्रोविजन था और इसके बाद इस इस फॉलोइंग वेयर द प्रोविजन्स ऑफ द अकॉर्ड क्या था कि बोला द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविजन्स ऑफ श्रीलंका जहाँ पे कि वेयर तमिल्स वेयर मेजोरिटी पार्ट में था वुड वी मर्ज इंटू अ सिंगल प्रोविंस उसे एक सिंगल प्रोविंस बना दिया जाएगा जो कि जाफना वाला एरिया है ऊपर नॉर्दर्न एरिया उसके बाद बोला क्या सब्सटेंशियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया जाएगा समय कुछ समय के बाद क्या किया जाएगा पावर को डिवेल्यूट करके वहाँ के लोकल जो वो जो प्रोविंस बनाएंगे उसको अपना ऑटोनमी दे देंगे वो जिस तरह से गवर्न करना चाहे जो लैंग्वेज वहाँ पे लाना चाहे वो ला सकता है और इसी चीज को हम लोग कहते हैं थर्टींथ अमेंडमेंट बहुत ध्यान से इसे याद रखिएगा ये थर्टीन्थ अमेंडमेंट ऑलवेज न्यूज़ में रहता है जो कि आज तक क्या हुआ ये इम्प्लीमेंट वहाँ पर नहीं हो पाया तो सब बोला क्या कि वो सिंगल प्रोविंस बनाएंगे और थर्टींथ अमेंडमेंट यानी कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर वहां पे किया जाएगा उसके बाद लिट्टे वुड बी डिजॉल्व लिट्टे को बंद किया जाएगा एंड आर्म सरेंडर इन वेरी शॉर्ट टाइम और लिट्टे को क्या करना होगा आर्म सरेंडर करना होगा और उसके बाद इंडियन आर्मी वुड कम टू एड ऑफ द श्रीलंकन गवर्नमेंट इफ रिक्वेस्टेड बाई श्रीलंका और यदि श्रीलंकन गवर्नमेंट को नीड पड़ेगी इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी आएगा हेल्प करने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट को टू फाइट विथ लिट्टे इसी वजह से आईपी के एफ फोर्स हमें भेजना पड़ा अंडर ऑपरेशन पवन बिकॉज हमने इस अकॉर्ड में ही साइन किया था बट ये जब हमारे सोलह सौ जवान मारे जाते हैं हम आई पी के एफ को वापस बुला लेते हैं और इस चीज का गुस्सा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों भेजा आई को और इसके वजह से जब एक चुनाव की रैली में राजीव गांधी तमिलनाडु जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक महिला जो कि ह्यूमन बम होती है अपने बॉडी में बम बांधे रहती है और वो जाके वहाँ पे राजीव गांधी को माला पहनाती है और उसी में अपने आप को उड़ा लेती है और राजीव गांधी की मौत हो जाती है और इसके बाद 1990 में ये घटना हुआ श्रीलंका में लिट्टे अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहा और यह फाइट करीब जो है 2009 में जाके ख़त्म होता है जब प्रभाकरण की डेथ होती है और मोस्ट ऑफ लिट्टे के मेंबर मारे जाते हैं जो कुछ बचते हैं कुछ सरेंडर करते हैं और श्रीलंकन आर्मी उसे हरा देती है और 2009 में जाके ये सिविल वॉर एंड होता है ये अकॉर्ड हमने देख लिया थर्टीनथ अमेंडमेंट यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है तो ऑपरेशन पवन हमने देख लिया इंडिया इसने भेजा वो भी हो गया थर्टींथ अमेंडमेंट यही था ये एम्ड एट क्रिएटिंग एक प्रोविंशियल काउंसिल इन श्रीलंका एंड इनेबलिंग सिन्हलीज एंड तमिल एज नेशनल लैंग्वेज और इस अमेंडमेंट में ये मेंशन था जो कि पहले वनली वो क्या किया था वनली सिन्हलीज को रखा था लेकिन बोला कि अब तमिल भी क्या होगा नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश होगा एक लिंक लैंग्वेज इट वॉज गिविंग और उसके बाद मोर लैंड पुलिस फाइनेंशियल पावर टू नॉर्दर्न प्रोविंस को फिर से जमीन रेस्टोर किया जाएगा पुलिस फाइनेंशियल पावर ये सभी दिया जाएगा हालांकि हालांकि क्या होता है यह एकड फेल्ड होता है किस लिए बिकॉज एक तो लिट्टे को यह मंजूर नहीं था लिट्टे को बस उसको एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए था लिट्टे हैड गिवन ओनली रिलेक्टेंट लिट्टे का इसमें कंसेंट नहीं था सो so, वो सिग्नेटरी बना नहीं इस एकॉर्ड का और वो आर्ट स्ट्रगल जारी रखा वो डिड नॉट ट्रस्ट इन द्रीलंकन गवर्नमेंट एंड रिफ्यूज टू सरेंडर लेटे बोला कि हमें आप पे विश्वास नहीं क्या पता आप अभी हमसे सरेंडर करवा लें और बाद में क्या हो कि ये सब कुछ करे ही ना और रियलिटी में ही आज तक थर्टींथ अमेंडमेंट वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है उसके बाद कहता है क्या नियरली लगभग तीन डिकेट हो गया और जाके यह एंड होता है 2009 में रिसेंट का क्या स्थिति है अभी तो इंडिया अभी रिसेंट में क्या हुआ था 2020 हजार बीस में महिंद्रा राजपक्षे जो है क्या कि वो इंडिया आते हैं और इंडिया आते हैं तो इसमें जो है द इशू ऑफ तमिल रिकॉन्सिलियन वाज अगेन डिस्कस्ड यहाँ पे फिर से डिस्कस किया गया था नॉर्दर्न प्रोविंस के बारे में इन दिस कॉन्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी का हालांकि क्या कहना है आ, कि क्या इंडियाज की पोजिशन है पोस्ट लिट्टे वॉर तो इंडिया कहता है क्या कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मतलब ये इंडिया का स्टेटमेंट है दैट गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका विल रियलाइज द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ तमिल पीपल फॉर इक्वलिटी जस्टिस पीस रिस्पेक्ट विद इन यूनाइटेड श्रीलंका इंडिया का कहना है कि डिविजन तो नहीं होना चाहिए कंट्री का यूनाइटेड इंडिया के तहत रहते हुए एज अ डेमोक्रेटिक वे क्या करे श्रीलंकन पीपल जो है प्रयास करे और सरकार को भी क्या करना चाहिए थर्टीन्थ अमेंडमेंट को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये इंडिया की स्टेंस थी उसके बाद अभी रिसेंट में कई सारे इंडिया जो है डेवलपमेंटल कॉपरेशन से अब हम बात चलते हैं कंटेम्प्रेरी क्या क्या चल रहा है हम कई सारे डेवलपमेंटल कॉपरेशन श्रीलंका में कर रहे हैं कई सारे इन्वेस्टमेंट हमारी चल रही है ऑलमोस्ट इंडियाज़ ओवरऑल कमिटमेंट स्टैंड टू क्लोज थ्री बिलियन डॉलर जो है जिसमें कि फाइव सिक्सटी बिलियन डॉलर हमने जो है से प्योरली uh, ग्रांट के तौर पर दिया अभी जब क्राइसिस थी बाकी कई सारे हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है हमने लगभग फिफ्टी थाउजेंड वहाँ पर हाउस बनाने का कमिटमेंट किया था जिसमें से कि लगभग छियालीस हज़ार हाउस बन के तैयार हो चुका है इंडिया कंस्ट्रक्ट किया कल्चरल सेंटर एट जाफना इंडिया ने हेल्प किया रिहेबिलिटेट लगभग नॉर्दर्न रेलवे लाइन ये उस समय सिविल वॉर के समय में ख़त्म हो चुका था तो वहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे लाइन को इंडिया ने डेवलप किया इंडिया हैज़ हेल्प रिपेयर एंड अपग्रेड सुनामी डैमेज कोलंबो मात्रा रेलवे लाइन बाकी ये सभी डेवलपमेंटल असिस्टेंस इंडिया के द्वारा किया जा रहा है कॉमर्शियल रिलेशन क्या है तो ट्रेड रिलेशन जो है श्रीलंका इज़ वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इन द सार्क कंट्री उसके बाद इट इज़ इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एमोंग सार्क कंट्री ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज ग्री पार्टिसिपेट रेपिडली आफ्टर द एंट्री इन टू फोर्स इंडिया श्रीलंका एफ टी ए हमने हम बोथ इंडिया और श्रीलंका ने साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जहाँ पे कि बोथ कंट्री जीरो टैरिफ लगाएगी लेकिन लेकिन हाई बड़ी इसमें भी प्रॉब्लम्स क्या है यह मोस्टली फेवर्ड इंडिया को करता है बिकॉज श्रीलंका के प्रोडक्शन लाइन उतनी अच्छी नहीं है सो इंडिया के सामान अधिक जाती है और लेकिन लास्ट टू ईयर से क्या हुआ चाइना का जो है ना इम, इमरजेंस वहाँ पे बढ़ा चाइना हैज़ बिकम द टॉप इम्पोर्ट पार्टनर ऑफ श्रीलंका जो कि इंडिया को सरपास कर दिया विच हैड लॉन्ग बिन श्रीलंका लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट तो ये कुछ मेजर इशूज़ है एक इशू जो हमेशा न्यूज़ में रहता है जो आप सुनते हैं फिशरमैन वाला इशूज न्यूज़ में रहता है ये थोड़ा डिटेल में समझिएगा थोड़ा सा आराम से कहता है क्या गिवेन द प्रोक्सीमिटीज ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ बोथ द कंट्री स्पेशली पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्रेइंग ऑफ फिशरमैन्स आर कॉमन प्रॉब्लम मेनली इमर्ज ओनली आफ्टर मेरी टाइम एग्रीमेंट यहाँ पे एक एग्रीमेंट ध्यान में रखना है जो कि इंडिया और श्रीलंका गवर्नमेंट ने साइन किया था 1974 में जो कि था कच्चा चिबू आइसलैंड वाज गिफ्टेड टू श्रीलंका इस एग्रीमेंट में 1974 में इंडिया ने क्या किया ये आइलैंड बिलोंग करता था एक्चुअली में इंडिया का इंडियन गवर्नमेंट ने इसे श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होने लगा इंडियन फिशरमैन अबू सीरिया में मछली लेने जा नहीं सकते थे इंडियन फिशरमैन हैव बीन डिबार्ड फ्रॉम फिशिंग अराउंड द रिच फिशिंग ग्राउंड यह काफ़ी रिच फिशिंग सोर्स था और इंडियन फिशरमैन को मना कर दिया गया यहाँ से जाने के लिए द एग्रीमेंट अलाउ इंडियन फिशरमैन इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेस टू कच्चा ची फूड इंडियन फिशरमैन शिफ्ट जा सकता था रेस्ट करने के लिए अपने नेस्ट को ड्राई करने के लिए और एक एनुअल फेस्टिवल होता है याद रखिएगा इस फेस्टिवल को मे बी आर्ट एंड कल्चर के पीटी में पूछ दे सेंट एंथोनीज फेस्टिवल में वो फिशरमैन जा सकता था किस लिए एक तो रेस्ट करने के लिए ड्राइंग द नेस्ट के लिए और सेकेंड इस फेस्टिवल में जा सकता था बट इट डिडेंट इंस्योर द ट्रेडिशनल फिशिंग राइट बट इसने क्या हुआ इसने नहीं दिया जब फिश इससे अब क्या हो गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो गया टू कॉम्प्लिकेट मैटर फर्दर इंडियन फिशरमैनस फॉलो अ फिशिंग प्रैक्टिस कॉल्ड बॉटम ट्रॉलिंग और इसके बाद क्या हुआ इस इसके बाद इ, उस रीजन के आसपास में इंडियन फिशरमैन क्या करने लगा बॉटम ट्रॉलिंग करने लगा बॉटम ट्रॉलिंग क्या होता है अभी हम लोग जब इसमें देखेंगे आपको एक डायग्राम दिखाते हैं वेट अ सेकेंड मैंने यहाँ पे पोस्ट लगाया है ये है देखो बॉटम ट्रॉलिंग जिसमें कि फिश के नेट को बिल्कुल सी बेड पे ले जाते हैं वहाँ से सारे मछली को इस तरफ सा के और ये इस तरह से ये दूसरा पिक्चर है बॉटम ट्रॉलिंग का तो ये बॉटम ट्रॉलिंग जो कि फिशिंग के लिए जो है स्टार्टिंग के समय में तो आपको मिल जाएगा बट उससे तो जो है क्या ओवरऑल जितनी फिशिंग उस एरिया में होती है फिश सभी कलेक्ट हो जाते हैं सो so, फ्यूचर uh, में फिर क्या हो जाएगा डिक्लाइन हो जाएगा पॉपुलेशन बिकॉज जब आप कुछ भी नहीं बचेगा तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा आगे वाले जनरेशन नहीं होगा तो फिर मोड एंड मोड फिस नहीं होगा सो बॉटम ट्रॉलिंग विच हैव बीन बैंड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बॉटम ट्रॉलिंग बैन कर रखा है बट इंडिया में बैन नहीं है फ्रॉम द इंडियन फिशरमैन पॉइंट ऑफ व्यू हिस्टोरिकली दी कंटेस्टेड वाटर्स बिलोंग टू इंडिया दे हैव एवरी राइट टू फिश इन द ट्रेडिशनल वाटर इन फिशरमैन का कहना है कि इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है बैन और हमें इंडियन वाटर्स में हम जो चाहे वो कर सकते हैं आपके यहाँ बैन है आप समझिए इसकी वजह से टेंशंस और बढ़ा इन ऑर्डर टू एड्रेस दी इशू ऑफ इंडिया श्रीलंका हैव एग्रीड टू सेटअप अ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया जे बनाया कि ये फिशरमैन वाला इशू में क्या किया जाए क्योंकि आप अक्सर देखते हैं इधर का फिशरमैन को वो अरेस्ट कर लिया उधर का फिशरमैन को इधर अरेस्ट कर लिया तो फिशरीज बिटवीन कंसर्न मिनिस्ट्रीज बोथ ये जे डब्ल्यू सी में ये सब में, मेंबर थे और फाइनली रिजल्ट क्या आता है तो इंडिया ने एस्योर किया कि क्या होगा टाइम बॉन्ड मैनर में हम जो है बॉटम ट्रॉलिंग को क्या करेंगे फेज आउट कर देंगे ख़त्म कर देंगे टाइम आउट अभी लेकिन ऐसा नहीं होगा ड्रास्टिकली थोड़ा समय चाहिए हमारे फिशरमैन को ताकि उसके लिए एक अल्टरनेट प्लेस हो जाए थोड़ा अल्टरनेट उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कोई एक सा, साधन हो जाए तो हम फेज मैनर मैनर में इसे बंद करेंगे उसके बाद आपने सुना कि आपने आपको पता होगा चाइनाज का इन्फ्लुएंस काफ़ी जो है ना श्रीलंका में बढ़ गया वो क, वो कैसे हुआ तो यहाँ पे भी कहानी को थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं श्रीलंका के केस से श्रीलंका में जब क्या हुआ कि जब जो है के पी शर्मा के पी शर्मा ओली जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे बना के पी शर्मा ओली बिलोंग करता था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से तो सी पी आई कम्युनिस्ट पार्टी और चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों का थोड़ा दोस्ती था तो के पी शर्मा ओली जो है ना चाइना की तरफ जैसे अधिक झुका था और कई सारे इन्वेस्टमेंट को नेपाल में अलाउ कर दिया सेम एज़ इट इज जब 2005 से 15 में महिंद्रा राजपक्षे जो वहाँ का प्रेसिडेंट बनता है जो कि ये महिंद्रा पक्षे मतलब ये स्थिति बना दिया आज श्रीलंका को जो जिस स्थिति पे ला दिया बिकॉज अब एक एक परिवार में से बीस बीस मिनि आदमी मिनिस्टर है चार भाई है चारों भाई एक बगल से एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया राष्ट्रपति बन गया एक्सटर्नल अफेयर्स ले लिया सारा का सारा मिनिस्ट्री बाप बेटा पोता सबको पूरा मिनिस्ट्री में लगा दिया और पूरा श्रीलंका को बर्बाद कर दिया यही महिंद्रा राजपक्षे है तो ये महिंद्रा राजपक्षे ने क्या किया दो पाँच से पंद्रह के बीच में जो है ओ रहा और ये प्रो चाइना था और प्रो चाइना होने के बाद कारण श्रीलंका ने ज्वाइन कर लिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और कई सारे इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना को अलाउ कर दिया जिसकी वजह से अब क्या हुआ चाइना ने डिसप्लेस कर दिया जापान को जो कि श्रीलंका का मेजर एड डोनर हुआ करता था अब उस जगह जो है चाइना आ गया चाइना बोला हम आपको पैसा देंगे चाइना ने सरपास कर दिया इंडिया को भी इन बिकमिंग लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फिर चाइना इधर से बन गया चाइना इन श्रीलंका लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बन गया और उसके बाद चाइना इज नाउ सप्लाइंग हाफ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट लोन टू श्रीलंका श्रीलंका को आपको जितना कुछ बनाना है बनाइए हम पैसा आपको दे रहे हैं इसकी वजह से आपने सुना होगा जो हम्बन टोटा पोर्ट है ये पोर्ट को चाइना ने बनाया और ये पोर्ट बना तो दिया लेकिन ये दुनिया का वन ऑफ द सबसे अधिक खाली रहने वाला पोर्ट बन गया कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं हो रहा था सेम हाल हुआ कोलंबो ये वाला इसका मटाला एयरपोर्ट का ये इसमें क्या हुआ श्रीलंका फंस गया चाइनाज डेप ट्रेप डिप्लोमेसी सेवरल ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट बीन कॉम्प्लिकेटेड आर नाउ ब्लीडिंग मनी मतलब वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है जैसे एग्जांपल श्रीलंका का जो मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था विच ओपन इन 2013 नियरली हम्बन टोटा हम्बन टोटा के बगल में ये हैज़ बीन डब्ब एज वर्ल्ड्स इम्पिटीस्ट एयरपोर्ट दुनिया की क्या है यह सबसे खाली एयरपोर्ट रहने वाली है पैसा बना दिया अब पैसा इन्वेस्ट किया अब तो पैसा चाइना को चाहिए तो लोन का इंटरेस्ट देने के लिए पास पैसा भी चाइना के पास श्रीलंका के पास नहीं था सेम हाल होता है हम्बन टोटा पोर्ट का ये भी लगभग लार्जली आइडल रहता है खाली रहता है कोई यहाँ पे अधिक यहाँ पे शिपमेंट नहीं आती अब इन सब की वजह से क्या हुआ चा श्रीलंका के पास मनी खत्म हो गया श्रीलंका ने हम्बन टोटा पोर्ट निन्यानवे साल के लिए चाइना को दे दिया बोला जाइए आप ऑपरेट कीजिए अब मेरे पास तो पैसा ही नहीं है इन सब की वजह से चाइना की जो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है कि पहले पैसा दो और उसके बाद जो है उसको ट्रैप में फंसा लो उस ट्रैप में श्रीलंका भी फंसा तो इसलिए चाइना पे कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता है ये हुआ इसकी वजह से चाइना में काफ़ी क्राइसिस सॉरी मैं बार बार चाइना बोल रहा हूँ सॉरी इसके लिए श्रीलंका में, में मेजर क्राइसिस हुआ और लोगों को रियलाइज हुआ और क्या होता है महिंद्रा राजपक्षे को हरा दिया जाता है और वो पावर से बैक हो जाते हैं इसके बाद मैत्रीपाला सरी सेना प्रेसिडेंट बनते हैं और रानिल विक्रम सिंघे ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं अभी प्रेजेंट में आपको पता होना चाहिए यही रानिल विक्रम सिंघे साहब जो है प्राइम मिनिस्टर है जब इसको भागना पड़ा महेंद्रा राजपक्षे ब्रदर को 2015 में आया तो जो जो गलती किया था वो राजपक्षा उस चीज़ को सॉल्व करता है कौन मैत्री है सेना एंड विक्रम सिंघे इसको सॉल्व किया इस सारे इशूज़ को और फिर सही ट्रैक पे जा ही रहा था इस समय फिर इंडिया को अपॉर्चुनिटी दिखा कि हम अब जो है फिर से श्रीलंका से अच्छे से इंगेज करते हैं जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स था प्रॉब्लम्स मेनली इंडिया के साथ ये था कि टाइम डिलीवरी मॉड टाइम डिलीवरी मैनड पे इंडिया ना तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पा रहा था ना ही पैसे की जो जरूरत थी वो श्रीलंका को दे पा रहा था तो इसलिए श्रीलंका ने दूसरा अपॉर्चुनिटी देखा और चाइना से जाके वो असिस्टेंस लिया ये सब चल रहा था इंडिया ने फिर से कई सारे वहाँ पे डेवलपमेंट काम स्टार्ट कर दिया श्रीलंका एग्री टू अलाउ इंडिया इंडिया को अलाउ कर दिया कि मटाला राजपक्षा एयरपोर्ट जो था उसको आप ऑपरेट करके किसी तरह से बेनिफिशियल बनाइए जो जो प्रॉब्लम्स था तिरुणकुमाली पे जो है कि इंडिया ने बोला ठीक है हम तिरुणकुमाली को, को डेवलप करेंगे इन सब तरीके से सब कुछ सही चल रहा था लेकिन फिर क्या होता है श्रीलंकन जनता के मन में 2019 के इलेक्शन में फिर से राजपक्षा ब्रदर को जिता देता है और इस, इस बार जब राजपक्षा ब्रदर आता है तो अपना चार चार भाई को एक साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको मेन टोटल चार नहीं ऑलमोस्ट करीब फैमिली के बीस मेम्बर थे जो मिनिस्टर थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर इरिगेशन मिनिस्टर सारा का सारा मिनिस्टर अपने परिवार में ही बांट लिया और पूरा का पूरा श्रीलंका को चौपट कर दिया उसके बाद श्रीलंका की इकोनमी मेजर डिपेंड करती थी किस पर तो वो डिपेंड्स करती है टूरिज़्म पे आता है 2020 में कोविड आता है पूरी की पूरी जो रही बची रही कसर थी वो कोविड ने तोड़ दिया और श्रीलंका की हालात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया श्रीलंका के पास कुछ पैसा नहीं बचा शायद श्रीलंका अपने आप को फाइनेंशियली सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया इसके बाद कुछ ऑप्शंस नहीं था हाथ फैलाया जाके आई के पास बचाओ प्लीज़ कोई सेव करो हमें तो ये कुछ क्रोनोलॉजी जो मैंने बताया 2020 में कोविड आता है श्रीलंकन इकोनॉमी डिस्ट्रॉयड बिच इज बेस्ड ऑन टूरिज्म प्लस और एक चीज़ देखिए क्या किया वो महिंद्रा राजपक्षे यही होता है जब मूर्ख आदमी बनता है ना प्राइम मिनिस्टर ये सब कुछ भी तो वो उसको समझ में नहीं आता है वो हम क्या कर रहे हैं उसको लगता है अरे ऑर्गेनिक फार्मिंग है चलो अच्छा तो उसने क्या बोला ना अब पूरी की पूरी कंट्री में क्या होगा श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाएगा हालांकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए वो अलाउ किया था बिकॉज उसको पहले रहे महिंद्रा राजपक्षे को पता चल गया था देश के पास पैसा ही नहीं फर्टिलाइजर खरीदने का तो चलो सब किसान को बोलो क्या आज से पूरी श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा कोई भी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन क्या हुआ ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से पूरा का पूरा फसल क्रैश कर गया और प्रोडक्शन कुछ हुआ ही नहीं अब ना आदमी के पास खाने को अनाज है टूरिज़्म बंद है ना पैसा है इकोनमी कोलैप्स हो चुका है इसके बाद क्या इसकी वजह से क्या होता है श्रीलंका में डीप इकोनॉमिक क्राइसिस आती है श्रीलंका ह्यूज डेप्ट में फंस जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं होती है कुछ भी चीज़ बाहर से खरीदने के लिए फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था श्रीलंका का फूड क्राइसिस आ जाता है फ्यूल क्राइसिस आ जाता है फ्यूल खरीदने के लिए पैसा नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी श्रीलंका में डिकलेयर कर दिया जा जाता है और जब तो पूरी की पूरी जनता जो है राष्ट्रपति भवन पे दौड़ पड़ते हैं आके और ये सिचुएशन को देख के राजपक्षा ब्रदर को लगता है भाई भाग ले अब अब जनता खा जाएगी दो ये भाई जो है यहाँ से एयरपोर्ट पे चढ़ के फुर से फिरार हो जाता है भाग जाता है इसके बाद फिर रानिल विक्रम सिंघे संभालता है और जो कि प्रजेंट में भी वो प्राइम मिनिस्टर है कुछ स्टेज पे अभी श्रीलंका सही जगह पर आया अभी आप देख रहे होंगे इंडिया इंडिया का मैच भी हो रहा था श्रीलंका में इंडिया पाकिस्तान था इंडिया श्रीलंका अभी एशिया कप शायद चल रहा है वो तो राजपक्षा ब्रदर रियलाइज देयर मिस्टेक सेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हाँ इसके बाद जब ये सब चीज़ चल रहा था तो राजपक्षा ब्रदर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आके बोलता है प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए भाई साहब हमसे गलती हो गया सो हम ये सब चीज़ कर दिए आपसे दुश्मनी करके चाइना से मिल लिए थे बट समय बहुत आगे बढ़ चुका था ये गया बट स्टिल ये सब सिचुएशन में जब हुआ तो लगभग हमने जो है टोटल डेब्ट श्रीलंका का उस समय सिक्सटीन बिलियन डॉलर हो चुका था इन दिस कॉन्टेक्स्ट 2020 में पीएम एम महिंद्रा राजपक्षा रिक्वेस्टेड इंडिया टू तो अलाउ डेप्टीप रिपेमेंट तो उसके बाद हमने कई तरह से हेल्प किया इंडिया ने करीब वन बिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है दिस इज अ इकोनॉमिक टर्म इसका मतलब क्या है करीब मान लो हम अभी वन बिलियन डॉलर जो है वन सॉरी वन बिलियन डॉलर मान लो हमने श्रीलंका को क्या किया अभी दे दिया ये डॉलर में पेमेंट किया और वन बिलियन के अकॉर्डिंग जो है श्रीलंकन रुपीज हमने ले लिया इसकी वजह से क्या हुआ श्रीलंका में इन्फ्लेशन था तो उनका ढेर सारा अमाउंट था अभी श्रीलंकन रुपीज इन्फ्लेशन का मतलब क्या है रुपीज अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है तो ये रुपी को हमने क्या किया इतना वन बिलियन अमाउंट में इंडिया में ले आया और इतना पैसा इसको दे दिया डॉलर चला गया अब इस पैसे से इस आराम से जो जो सामान खरीदना होगा खरीद के लाएगा और ये पैसा भी कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम होगा और जब सब इकॉनमी मान लो सही हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा चाहे तीन साल चार साल के बाद तो सेम इतना रुपया क्या करेगा श्रीलंका को दे देगा और उसके बदले में वन बिलियन डॉलर इंडिया वापस ले लेगा दिस इज नोन एज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हमने बहुत सारा ग्रांट भी श्रीलंका को दिया देखो यहाँ पे लगभग कहता है इंडिया एक्सटेंड 450 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया लाइन ऑफ क्रेडिट होता है बहुत सस्ता लोन दो परसेंट तीन परसेंट पे श्रीलंका को हमने लोन दे दिया 40 मिलियन फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और 50 मिलियन फॉर सिक्योरिटी एंड काउंटर टूरिज्म में दिया उसके बाद कहता है क्या इंडिया क्लेरिफाइड इंडिया पोजिशन ऑन तमिल रिकाउंसिलेशन इस समय भी इंडिया ने कहा क्या देखो तमिल वाला इशू थर्टींथ अमेंडमेंट आप जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए अडानी ग्रुप में करीब 700 मिलियन डॉलर का डील साइन करके वहाँ पे जो है क्या इन्वेस्टमेंट का वादा किया इन सब तरीके से हमने कई तरीके से श्रीलंका को हेल्प किया उसके बाद इंडिया श्रीलंका हैज़ एग्रीड ऑन फोर पिलर इनिशिएटिव टू टू हेल्प मिटिगेट श्रीलंकाज इकोनॉमिक क्राइसिस लाइन ऑफ क्रेडिट फूड मेडिसिन फ्यूल परचेज ग्रांटेड बाय इंडिया अ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट आपने देखा वो हमने किया उसके बाद मॉडर्नाइज करेगा इंडिया कौन सा त्रिनकोमाली ऑयल फार्म्स को और इंडियन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा बहुत सारे सेक्टर में इंडिया करेगा और फाइनली वे फॉरवर्ड क्या है तो कहता है क्या न्यू दिल्ली मस्ट कंसीडर श्रीलंकाज रिक्वेस्ट फॉर अ थ्री ईयर मॉरेटोरियम एंड टू बी अप फ्रंट फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्स इन कॉन्ट्रास्ट टू तो पास्ट वेन न्यू दिल्ली डिड नॉट टेक एन ऑफर टू डेवलप हम्बन टोटा पोर्ट तो ये हम्बन टोटा पोर्ट को डेवलप करने का पहले ऑफर न्यू दिल्ली को ही आता बट इंडिया ने रिस्पॉन्स नहीं लिया तो चाइना के पास चला गया था वे फॉरवर्डमेंट कहना है क्या कि आप टाइम मत वेस्ट कीजिए जब कोई डील आए तो उसको सही समय पे उस पर एक्ट करना चाहिए और इंडिया को ट्राई करना चाहिए पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को और इंक्रीज करना चाहिए रिसेंटली 2022 में एस जयशंकर साहब जाते हैं श्रीलंका जा गए हुए थे क्यों गए थे श्रीलंका तो बिम्स्टेक का समिट होने वाला था मिनिस्ट्रियल समिट होने वाला था तो पहले मालदीव जाते हैं छब्बीस से अट्ठाईस मार्च को फिर उसके बाद श्रीलंका पहुंचते हैं और 29 मार्च को कोलंबो में बिम्स्टेक का समिट को अटेंड करते हैं और इंडिया ने डिसाइड किया कि थ्री पावर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा कहाँ पे श्रीलंका पे ये ऑलमोस्ट मैंने डिटेल्ड में डिस्कस नहीं किया बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बट इतना मैंने बता दिया स्टोरी फॉर्मेट में ये पी आप क्रोनोलॉजी में में पढ़ लीजिएगा हर पी कुछ इस तरीके से होगा वेट अ सेकेंड में बताता हूँ जैसे कि ये हुआ दिस वन इज़ द फर्स्ट पार्ट इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये सेकेंड देन आफ्टर फिर इसके बाद आप यहाँ से थर्ड पार्ट फिर ये जब ख़त्म यहाँ एंड होगा इसके बाद फोर्थ पार्ट ये सभी आपको मिल जाएगा पी डी एफ में आप बट अच्छे से इसे नोट कर भी लीजिएगा इस तरह से मैंने इसे लिखा है कि आपको ईच एंड एवरी थिंग समझ में आ जाएगा अब चलते हैं अपनी मैगजीन की ओर और, और समझते हैं क्या न्यूज़ है न्यूज़ में क्यों था तो कहता है कि रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका ने रिलीज किया अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का क्या टाइटल था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन सिंपल सी बात है कि कनेक्टिविटी को क्या करना है प्रमोट करना है जो प्रॉस्पेरिटी वाली एरिया है उसे केटलाइजिंग करना है इंक्रीज करना है और इंडिया श्रीलंका की इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन क्या होगी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से एक दूसरे को हम दोनों हेल्प करेंगे उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया है ऑन न्यूज बहुत सारा सेवरल एम लाइक ऑपरेशनलाइजिंग यूपी इंपॉर्टेंट एरियाज है यहाँ पर ध्यान रखना है तो क्या क्या हमने एमओ साइन किया तो यू पेमेंट को जो है श्रीलंका में ऑपरेशनलाइज किया जाएगा हम कई सारे कंट्री के साथ चाहे नेपाल में हमने यूपीआई को ला, लागू किया यू में जाके किया तो श्रीलंका के साथ हुआ है डेजिग्नेट इंडियन रुपी एज करेंसी फॉर ट्रेड ये किस लिए तो अभी ये भी आपने कई सारे कंट्री के साथ देखा होगा कि जैसे अरब कंट्रीज ने भी अब डील साइन किया हमसे कि इंडियन रुपी वहाँ पे एक्सेप्टेड होगा ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं हम चाहते हैं कि रुपी भी हमारा एक इंटरनेशनल करेंसी के तरह बन जाए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी लाइक like डॉलर है येन है रेनमिन बे है यूरो है पॉन्ड स्टर्लिन है उसी तरीके से रुपीज़ भी हो जाए तो हम जगह जगह हर कंट्री से डील कर रहे हैं ताकि रुपी में ट्रेड हो पाए उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिनकोमाली वेयर साइन जो कि हमने भी अपने बेसिक्स में भी बात किया था त्रिनकोमाली में हम लोग जो है रिन्यूएबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ये बोथ कंट्री ऑल्सो हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट पैसेंजर फेरी सर्विस जो हमने बात किया था हमारा वे फॉरवर्ड में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाना है वो तभी होगा जब आने जाने के लिए सर्विसेस हो पीपल पैसेंजर फेरी सर्विसेज ये इसको कहते हैं पैसेंजर फेरी सर्विसेज बिटवीन कहाँ से नागापट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कान के साथराई इन श्रीलंका इसके बीच में पैसेंजर फेरी सर्विसेज को स्टार्ट किया जाएगा उसके बाद कहते हैं अबाउट इंडिया श्रीलंका इकोनॉमिक एंड कनेक्टिविटी टाइज में क्या हुआ ओवरऑल ट्रेड की यदि बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों ने नाइनटीन में ही साइन कर लिया है और ये फोर्स में आया था 2000 में इंडिया श्रीलंका इंडिया जो है श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विथ ओवरऑल बायोलिट्रल टाइड लगभग हम लोग 5.45 बिलियन डॉलर का हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं इसको कंपेरेटिव वे में फिर से समझना है यदि तो तो इंडिया श्रीलंका के बीच तो इंडिया की हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था जब हम लोग अमेरिका से कर रहे थे इंडिया के टोटल जीडीपी लगभग तीन दशमलव सात पाँच लाख करोड़ है और ट्रिलियन में थ्री पॉइंट सेवन फाइव ट्रिलियन डॉलर है ग्लोबल ट्रेड पूरी दुनिया कितनी डॉलर डॉलर की ट्रेड करती है तो ऑलमोस्ट थर्टी टू ट्रिलियन डॉलर का पूरी दुनिया में एक दूसरे से ट्रेडिंग होता है इंडिया की फॉरेन ट्रेड की यदि हम बात करें तो हम लोग जो है हमारी फॉरेन ट्रेड जो है ग्यारह सौ छिहत्तर बिलियन डॉलर मतलब इस ए में मतलब यदि बत्तीस हजार बिलियन डॉलर में वनली ग्यारह सौ छिहत्तर जो कि वनली टू परसेंट है इतना इंडिया का योगदान है फॉरेन ट्रेड में जिसमें कि एक्सपोर्ट इतना इम्पोर्ट इतना करते हैं फिर से यहाँ से इंडिया की फॉरेन ट्रेड कितना 1176 सेवेंटी सिक्स बिलियन डॉलर और इसके रिस्पेक्ट में श्रीलंका से कितना होता है तो ग्यारह सौ में समझ लीजिए फाइव का मतलब यदि 1100 टोटल फॉरेन ट्रेड इंडिया का है तो पाँच रुपये का ट्रेड हम लोग श्रीलंका से करते हैं इतना ही हमारी परसेंटेज देन आफ्टर कनेक्टिविटी के लिए एग्रीमेंट्स लाइक ओपेन स्का एयर बबल अरेंजमेंट एग्जिस्ट टू रिस्टोर एयर कनेक्टिविटी बिटवीन द टू कंट्रीज कहता है अदर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंडिया श्रीलंका जहाँ पे कि दोनों कंट्री एक साथ मिल सके कन्वर्जेंस वाला पॉइंट कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है मिलना तो कहता है ट्रेड ट्रेड में दोनों कंट्री एक साथ आ सकता है टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल एंड हाफ ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन पासिस थ्रू साउथ ऑफ श्रीलंका ये एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है दिस वन इज गल्फ ऑफ मन्नार दिस पार्क स्ट्रीट ये वाला जाफना एरिया है जो कि तमिल पॉपुलेशन यहाँ है बीच सिन्हाला है तो ये वाला एरिया से कहता है क्या कितना होता है क्या तो ये काफ़ी जोग्र जोग्राफी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि साउथ ऑफ़ श्रीलंका पास करता है टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड ऑयल एंड हाफ ऑफ वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट श्रीलंका इज एजिसेंशियल पार्टनर है इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का सागर जब हमने सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल ये हमने भेजा जिसमें असिस्टेंस भेज रहे थे हमने इसे डिस्कस किया मिलिट्री सिग्निफिकेंस यह एक जंक्चर है बिटवीन अरेबियन सी एन बेरो बंगाल सो एक बहुत बड़ा ये सिक्योरिटी कंसर्न एरिया भी है फॉर इंडिया उसके बाद हम यहाँ पे मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं एंड नेवल एक्सरसाइज सिल सिलीनेक्स कंडक्ट करते हैं बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कल्चरल सिग्निफिकेंस बुद्धिस्ट लिंक है चूँकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन सेवेंटी फाइव परसेंट पॉपुलेशन जो यहाँ पे बुद्धिज़्म है तो हम जो है कल्चरल सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ता है एक कोरिडोर की तरह से डेवलप कर सकते हैं फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया इंडिया के वाराणसी में है बिहार के गया में हो गया जो कि मेजर बुद्धिस्ट सेंटर है तो इस जिसमें हम लोग कल्चरल सिग्निफिकेंस में पीपल टू तो पीपल टाइज को इंक्रीज कर सकते हैं बट ये तो था कन्वर्जेंस वाली पॉइंट जहाँ पे दोनों कंट्री एक साथ आपस में बात कर सकते हैं दोनों के बेनिफिशियल रहे लेकिन डाइवर्जेंस वाली पॉइंट एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है ट्रस्ट डेफिसिट इसलिए बिग ब्रदर सिंड्रोम वाली बात आ जाती है असमेट्रिकल नेचर है ट्रेड होती है तो इंडिया इतना भेजता है तो श्रीलंका थोड़ा भेज पाता है उस ये है ट्र उसके बाद सेकेंड हो गया फिशिंग डिस्प्यूट हमने डिटेल में देखा कि जब कच्चा चे वो आइसलैंड श्रीलंका को दिया गया इससे इंडियन फिशरमैन नाराज था बिकॉज वो सालों से उस पर फिशिंग करता था और श्रीलंका में ये जो बॉटम ट्रॉलिंग है बॉटम ट्रॉलिंग बैन है सॉरी श्रीलंका में बॉटम ट्रॉलिंग बैन है बट इंडियन फिशरमैन उसे ऑपरेट करता है जिसकी वजह से दोनों में बढ़ती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस क्राइसिस रिसेंट हैज अफेक्टेड कंट्रीज एबिलिटी टू इंगेज विथ इंडिया एंड इंप्लीमेंट पॉलिसी प्रमोट इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी तो श्रीलंका में भी क्या था कई सारे आपको क्राइसिस देखने को मिला स्ट्रेटेजिक इशू ड्यू टू इंक्रीज चाइनीज प्रजेंस चाइना का प्रेजेंस जब बढ़ा पोर्ट ऑफ हम बनटोटा में तो जिस जो कि इंडिया के लिए और इसने ज्वाइन किया था बीआरआई तो ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बन रहा है देन आफ्टर तमिल क्वेश्चन वही थर्टींथ अमेंडमेंट वाली बात जो मैंने कहा था कि ऑलवेज न्यूज में रहता है तमिल माइनॉरिटी राइट्स इन सॉरी एक्चुअली मेरी तबीयत खराब है इधर बहुत दिनों से इसलिए लेक्चर नहीं आ पा रही थी <coughs> अभी भी गले में प्रॉब्लम है तो सॉरी <coughs> फॉर इनकन्वीनियंस देखो तमिल क्वेश्चन हमने देखा कि तमिल चूंकि जो भी कुछ श्रीलंका में होगा बिकॉज हमारे पास एक मेजर पोर्सन जो है तमिल रहते हैं तो वो वो कहीं ना कहीं इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं वोट बैंक की वो भी एक राजनीति है तो द इशू ऑफ तमिल माइनॉरिटी इन श्रीलंका रिमेन्स अ सेंसिटिव टॉपिक इंडिया इंडिया एडवोकेटिंग फॉर नेशनल रिकॉन्सिलेशन थ्रू पॉलिटिकल सेटलमेंट थर्टींथ अमेंडमेंट की बात कर रहा है जो कि हमने डिटेल से पढ़ा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कंटिन्यूड एफर्ट रखिए फर्स्ट रिस्पोंडर बनिए जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो इंडिया वहाँ जाके हेल्प कर सकता है रोल ऑफ इंडिया रीजनल कोऑपरेशन होनी चाहिए तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे मल्टीलेटरल ग्रुप हैं जैसे चाहे बेमस्टेक हो सार्क हो कैन प्रोवाइड एक अपर्चुनिटी कर सकता है जहाँ पे कोऑपरेशन एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस बात कर सकते हैं डायलॉग कर सकते हैं और कई सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं परमानेंट सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर में इशू तो इसके लिए भी वर्क हो रहा है हमारे पास मिनिस्ट uh, वो जो हमने कमेटी बनाई है जे डब्ल्यू सी वो कमेटी वर्क कर रही है और फिसिंग ट्रॉलिंग को भी बोला फेस बैनर पे इंडिया हटा देगा कॉम्बेटिंग टेररिज्म तो जो कि ये दोनों के लिए एक मेजर पॉइंट बन सकता है इंडिया और श्रीलंका मिलकर इस पर वर्क कर सकते हैं श्रीलंका में कई सारे इस्लामिक आइडियोलॉजिकली अटैक हुआ श्रीलंकन चर्च में कई सारे लोग मारे गए थे तो इस जगह तो सो काउंटर टेररिज्म एफर्ट एट बायोलिट्रल एज वेल एज रीजनल लेवल इन कॉम्बेटिंग टेररिज्म बिल्डिंग ट्रस्ट इंडिया मस्ट माइंडफुल ऑफ सेंसिटिव ऑफ श्रीलंका एज ए स्मॉल स्टेट सो इंडिया मस्ट सी हाउ श्रीलंकाज फियर्स एंड सस्पिशन कैन भी मिनीजमाइज श्रीलंका डरे नहीं हम उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर सकते हैं एंड पीपल टू पाई पीपल टू पीपल टाइज कर सकते हैं कल्चरल एक्सचेंज टूरिज्म एजुकेशनल कॉपरेशन एंड इसमें तो सबसे बड़ा बात है हम बुद्धिस्ट सेंटर जो हमारे पास सबसे मेजर सेंटर है गया जहाँ पर कि बुद्ध को ज्ञान मिला हम उससे पीपल टू पीपल ट्राई को टाई को इंक्रीज कर सकते हैं नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया फ्रांस रिलेशन न्यूज में क्यों है बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग द ट्वेंटी फिफ्थ ईयर ऑफ कंप्लीसन ऑफ इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशन एंड इंडिया एंड फ्रांस इन देर रिसेंट मीटिंग आउटलाइन किया है ट्रेजेक्ट्री फॉर द डेवलपमेंट टिल 2047 मतलब अभी से लेके 2024 तक जो दो तक हमारी किस तरह की रोड मैप होगी किस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे ये एक ट्रेजेक्ट्री हमने बनाया है ट्रेजेक्ट्री मतलब रास्ता पाथवे और हमने लॉन्च किया है द टू 2047 फ्रेमवर्क और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क दिस इंक्लूड सेक्टर फ्रॉम डिफेंस डिफेंस क्यों बिकॉज आपको पता होगा ऐसे भी फ्रांस जो है इंडिया के लिए सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया देन आफ्टर न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस एंड टू एलिमिनेट सेंगल यूज प्लास्टिक ये इंपॉर्टेंट एरिया है इस एरिया में हम लोगों ने हॉराइजन फ्रेमवर्क साइन किया है जिसपे कि हम लोग अभी से लेके वर्क करेंगे टिल 2047 तक एंड अ फाइव ईयर सेंगन वीज़ा ये सेंगन वीज़ा क्या होता है तो जब कभी भी इसको थोड़ा ध्यान में समझिए देखिए पूरी की पूरी यूरोपियन कंट्री मोस्ट ऑफ में जो भी यूरोपियन कंट्री है वह एक यूरोपियन यूनियन है तो जैसे अभी आपको मान लो इंडिया आना है तो इंडिया के लिए पार्टिकुलर पासपोर्ट और वीज़ा लेते हैं पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर है तो जब कहीं घूमने आप जाते हो पासपोर्ट लेते हो जब कहीं वर्क करने के लिए काम करने के लिए जाते हो तो वीज़ा लेते हो मान लो किसी को इंडिया आना है Osionfish. तो इंडिया के लिए अलग पासपोर्ट वीज़ा लेगा पाकिस्तान इसके बाद इंडिया जाना होगा तो अलग वीज़ा पासपोर्ट लेना होगा नेपाल जाना होगा अलग पासपोर्ट वीज़ा श्रीलंका उसके बाद अलग पासपोर्ट वीज़ा श्रीलंका का तो अलग अलग हर कंट्री का अपना पासपोर्ट वीज़ा होगा बट यूरोपियन कंट्री ने क्या किया इस तरह का एक ट्रीटी बनाया है और ये ट्रीटी क्यों है बिकॉज ऑफ यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन में टोटल ट्वेंटी सेवन मेंबर्स हैं इस मेंबर में जितने भी कंट्री हैं उस कंट्री में आप एक यदि आप सिर्फ सेंगन वीज़ा ले लेते हैं तो आप मान लो पोलैंड है पोलैंड से यूक्रेन जा सकते हैं यूक्रेन से पोल रोमेनिया जा सकते हैं रोमेनिया से जो है फ्रांस जा सकते हैं बिना कोई वीज़ा बिना कुछ के बस ओनली यदि सेंगन वीजा है तो आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं इन यूरोपियन यूनियन कंट्री तो हम इस पर भी वर्क कर रहे हैं क्या कि जो सेंगन वीज़ा हो वो कितने समय के लिए हो जाए तो सेंगन वो फाइव ईयर के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं अब फाइव ईयर सेंगन वीज़ा यहाँ पे मैंने लिखा ये बना था आ, सेंगन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेंगन जो है लक्जम्बर्ग देश का एक टाउन है उसके नाम पे चूंकि वहीं पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 1995 नाइन्टी साइंड बिटवीन यूरोपियन यूनियन नेशन ट्रेवलर्स ऑफ एनी नेशनलिटी कैन ट्रेवल बिटवीन ऑल ईयू कंट्रीज विथ नो पासपोर्ट कंट्रोल एट फ्रंटायर्स बाउंड्री पे नहीं होगा बाय दिस बाई टेकिंग सेंगे वीजा यू कैन ट्रेवल ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज आई थिंक आप समझ गए होंगे इसे उसके बाद कहते हैं क्या टू नेशन एडॉप्टेड थ्री पिलरस फोकसिंग ऑन हम तीन पीलर पे फोकस कर रहे हैं सिक्योरिटी प्लेनेट एंड पीपल गाइडिंग दी बायोलेटरल टाइज फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स दी टू कंट्री ऑल्सो री इन्फोर्स टाइज ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इस पर भी जो है दोनों कंट्री एक साथ वर्क करेगी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेगी सो दिस वन इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट उसके बाद अब हम समझते हैं दो मेजर हेडलाइन के शो एक तो कन्वर्जेंस पॉइंट एंड अनदर वन इज़ डाइवर्जेंस पॉइंट दोनों कंट्री की कहाँ पे सहमति बनती है और कहाँ पे दोनों कंट्री के बीच में मतभेद है तो अभी समझते हैं कन्वर्जेंस पॉइंट तो इंडिया फ्रांस में दोनों में कहाँ पे एक साथ मिलकर काम करने का एरियाज़ है तो पहला आपको तो कहता है मॉडर्नाइजिंग द डिफेंस सेक्टर आपको पता है फ्रांस हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन असर्टिंग इंडियाज डिफेंस मॉडर्नाइजिंग एफर्ट थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसमें मेजर है इनेबलिंग इंडिजीनियस प्रोडक्शन जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा तो हम लोग खुद उस चीज़ को इंडिया में बना सकते हैं और तो और जिस चीज़ को आ, हम लोग मान लो खुद से नहीं बना पाएंगे तो ज्वाइंट वेंचर के थ्रू होगा मतलब फ्रांस और इंडिया मिल के बनाएगा वो डिफेंस प्रोडक्ट उसके बाद फ्रांस जो है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट टू इंडिया है उसके बाद पी सेवेंटी फाइव चाहे स्कॉर्पियन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रफाइल एयर एयरक्राफ्ट हो ये हमें किससे मिला है तो ये हमें मिला है फ्रांस से दोनों के बीच का रिलेशन का कुछ टाइम लाइन सेवन में जब इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फ्रांस 1947 में ही हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं नाइनटीन में फाइव मैन फ्रेंच सेटलमेंट जो कि आपको पता है इंडिया में भी फ्रेंच सेटलमेंट था ये फ्रेंच सेटलमेंट इंडिया को रिटर्न कर दिया जाता है बाय फ्रेंच अंडर द दिल्ली ट्रीटी ऑफ 1954 फिफ्टी फोर और 1998 में जाके जो है आपको ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम लोग साइन करते हैं क्या होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने ऑलरेडी इसे डिस्कस कर दिया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन द जुलाई मंथ करंट अफेयर्स ऑफ आईआर सेक्शन आप वहां जाके वीडियो को समझ सकते हैं और इसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जो है ना ये जो आपने देखा कि 25 ईयर हुआ है इसका हुआ है जब आप नाइनटी नाइनटी एट में ट्वेंटी फाइव ऐड करते हो एट फाइव थ्री नाइन टू अलेवन प्लस टू ये हो गया जीरो और टू टू जीरो ट्वेंटी थ्री का ईयर चल रहा है पच्चीस साल कंप्लीट हुआ है इसीलिए हमने जो है क्या ये सेलिब्रेट करके लॉन्च किया है द होराइजन ट्वेंटी फोर्टी सेवन फ्रेमवर्क उसके बाद हम कहाँ पे हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन उतना बड़ा तो नहीं है एलेवंथ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ये क्या मतलब हुआ सो दैट्स नॉट बिग डील हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का जो एन है जो कि पेमेंट सेटलमेंट करता है जो कि यू को जिसने बनाया तो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एन जो कि फ्रांस का हो गया एंड फ्रांस लायरा कलेक्ट साइंड एन एग्रीमेंट टू रोल आउट यू इन फ्रांस एंड यूरोप तो फ्रांस और यूरोप में यू को लॉन्च करने में ये हेल्प करेगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान में रखना है काउंटरिंग टेररिज्म में दोनों साथ मिलकर काम कर सकता है स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट तो कहता है क्या ये जो है आपको यहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है ए एफ डी एजेंसी फ्रांस का डी डेवलपमेंट हैज़ एलोकेटेड दो हंड्रेड मिलियन दिया है किसको वेलफेयर मेजर्स के लिए किसको इंडियन में जो जितने भी मान लो वालबल सेक्शंस हैं उसके लिए जो है टू हंड्रेड मिलियन इन्होंने यूरो डोनेट किया है उसके बाद टेक्लिंग क्लाइमेट चैलेंज में दोनों कंट्री मिलके साथ काम कर रहा है जब इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया तो उसमें आगे बढ़ चढ़ के फ्रांस ने पार्टिसिपेट कर किया लॉन्च दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच इज अ डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर कॉपरेशन अमाउ सोलर रिसोर्स रिच कंट्री नेक्स्ट कथा है स्ट्रेटेजिक एटोनमी ऑटोनमी का मतलब क्या है दोनों कंट्री अपने अपने रास्ते पे काम कर रहा है एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक ऑटोनमी को रिस्पेक्ट करते हुए और इंटरनेशनल कॉपरेशन फ्रांस ऑलवेज सपोर्ट करता है जहाँ जहाँ इंडिया के इंटरेस्ट में बात हो चाहे वो यू का परमानेंट मेंबर हो या यू में रिफॉर्म हो या मल्टी डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म हो उन सभी जगह फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करता है उसके बाद फ्रांस ने ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस ने हेल्प किया है इंडियाज एक्सेसन टू तो किस में तो पहले तो हो गया फर्स्ट ग्रुप हो गया एम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एम के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है इंडिया 2016 में एम का मेंबर बनता है उसके बाद वासेनार एग्रीमेंट ये 2017 में इसका इंडिया मेंबर बनता है अभी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है यह जनरली कंट्रोल करता है मतलब कन्वेंशनल वेपन और ड्यूल इज यूज गुड पे गुड्स एंड टेक्नोलॉजी ड्यूल यूज मतलब जिसका कि दोनों ही जैसे ड्रोन मान लो ड्रोन एक हो सकता है सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है जिसमें कि आप मेडिकल आ, असिस्टेंस के लिए उसे यूज कर सकते हो किडनी जैसे कि मान लो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है ट्रैफिक में हर्ट को भेजना है तो ट्रैफिक में अधिक समस्या ना हो तो उसके लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो हेल्थ सेक्टर में बट ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ आप कर सकते हैं तो कहीं पे मान लो बम गिराने में भी कर सकते हैं तो इसीलिए तो ऐसा जो कन्वेंसनल वेपन होगा उसका कंट्रोल कौन करता है वासिनार एग्रीमेंट तो इस जनरली ऐसे एग्रीमेंट में क्या होता है जो उसका मेंबर है उसी के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर किया जाता है जैसे मान लो एम टी सी आर एम टी सी आर का मेंबर जो मेंबर कंट्री रहेगा उसी के साथ मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर किया जाएगा जो वासेनार का एग्रीमेंट का मेंबर होगा उसी के साथ इतने भयानक भयानक जो वेपन की टेक्नोलॉजी प्लस जो है वेपन्स को दिया जाएगा इसी कंट्री के बीच में उसकी ट्रेडिंग्स होगी जो वासेनार एग्रीमेंट के मेंबर्स हैं। उसके बाद एक ग्रुप और है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ए जी ये भी एक एक्सपोर्ट कंट्रोल ग्रुप है जो कि कंट्रोल करता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। कंट्री इंश्योर करता है पूरी जो वर्ल्ड है वो फ्री और रूल वेस्ट इंडो पैसिफिक रीजन होनी चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन मतलब क्या ये वाली रीजन जो है दिस रीजन शूड बी दे रूल बेस्ड ऑर्डर रूल बेस्ड ऑर्डर इसलिए बिकॉज चाइना हमेशा जो है ना यहाँ पे मतलब अपना मनमानी करते रहता है अपने अकॉर्डिंग करता है रूल बेस्ड सो फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन होना चाहिए उसके बाद जो है फिर इसके बाद इसमें यदि वे फॉरवर्ड देखा जाए तो वे फॉरवर्ड कहता है क्या कि कंप्लीटिंग दी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट ये एक इंपॉर्टेंट मेजर कंसर्न है जैसे कि आप एक न्यूज आपने सुना होगा इंडिया और फ्रांस के रिलेशन के बीच में चैलेंजेज क्या है तो एक तो मेजर चैलेंजेज क्या है फ्रांस ने चाइना का बीआरआई ज्वाइन कर लिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया ऑलवेज इसके अपोज रहा है बीआरआई के खिलाफ बिकॉज जानता है चाइना जो डेप्ट्रेप्ट डिप्लोमेसी अपनाता है और हमारे पड़ोसी देश को हमारे नेबर्स को उलझा देता है सो so, लेकिन चाइन फ्रांस इसमें ज्वाइन कर लिया डिलीवरी ऑफ राफेल प्लेन में कई सारे करप्शन का आरोप लगा था आपने देखा था उसके बाद हमारे दोनों के बीच जो बायोलेट्रल ट्रेड है बहुत ज़्यादा कम है ओनली वन पॉइंट फोर वन परसेंट है जो कि बिलो पोटेंशियल से भी कम है भले हमें फ्रांस सबसे ज़्यादा अपना हथियार बेचता है लेकिन हमें इससे क्या बेनिफिट होता है तो ये बायोलेट्रल ट्रेड बहुत कम है और कहता हैं दे आर आर टेक्निकल फाइनेंशियल एंड सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी इशू क्यों ऐसा बिकॉज जैतापुर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बन रहा था और इस ये प्रोजेक्ट भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है यदि ये बन जाएगा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा पावर रिएक्टर होगा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और ये बना रहा है फ्रेंच एनर्जी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी दे फ्रेंच तो इसमें एक जो है क्या तो यही है वे फॉरवर्ड में कि जो स्टॉल प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करना चाहिए द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ ई यू तो इंडिया कैन मेक यूज़ ऑफ़ पॉजिटिव रिलेशन विध फ्रांस जो हमारा फ्रांस के साथ अच्छा रिलेशन है एक्चुअली फ्रांस इज़ द मेम्बर ऑफ यूरोपियन यूनियन तो क्या कर सकता है तो यूरोपियन यूनियन में यह चीज़ जो है फ्रांस एडवोकेट कर सकता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जा सकता है या किया जाना चाहिए उसके बाद लिंकिंग सिविल सोसाइटी सो दैट की वेलफेयर का काम भी चलते रहे जैसे आपने देखा ऊपर में 200 यूरो दिया गया बाय द बाय द फ्रेंच सिविल सोसाइटी उसके बाद कहता है क्या स्ट्रेंथनिंग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट दिस वन इज द कॉमन वे फॉर वर्ड एंड नथिंग एक्स्ट्रा पॉइंट उसके बाद ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया एंड नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज एनर्जी डिप्लोमेसी ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कहना क्या चाहता है न्यूज़ में पहला बात क्या है कि इंडिया इज कंसिडरिंग ट्रेडिंग पावर विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थ्रू म्यन्मार एंड थाईलैंड एज अ पार्ट ऑफ एनर्जी डिप्लोमेसी एनर्जी डिप्लोमेसी के तहत मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं कि जो पावर की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं विथ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री सॉरी ये वाली कंट्री जितना भी आप देख रहे हैं इधर चाहे वो म्यांमार हो गया थाईलैंड हो गया वियतनाम हो गया यहाँ पे हम पावर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं सो so, इज़ एन न्यूज अब ये इसमें समझते हैं कि एनर्जी डिप्लोमेसी क्या होती है तो इट परटेन्स टू गवर्नमेंट रिलेटेड फॉरेन एक्टिविटी जो कि इंश्योर करता है कंट्री का एनर्जी सिक्योरिटी वही हो गया एनर्जी डिप्लोमेसी सिंपल सी बात है एम्स टू इंश्योर कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी इज नोन एज एनर्जी डिप्लोमेसी वाइल प्रमोटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर उसके बाद कता क्या एनर्जी डिप्लोमेसी के अंतर्गत एक सिक्योर और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होनी चाहिए सो so दैट वो लॉन्ग लास्टिंग जो है हेल्प करते रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते रहे एंड यूज ऑफ एनर्जी कैपेसिटीज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी टू डेटर रिड्यूस एलिमिनेट नेशनल थ्रेट्स एंड रिस्क यदि आप एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो मे भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में थ्रेट बन सकता है यदि वो सप्लाई चेन रुक जाए यदि आपके पास मल्टीपल सोर्स है मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं ये थ्रेट्स को कम कर सकते हैं कैसे इंडिया अचीव करेगा ये एनर्जी डिप्लोमेसी तो इसके लिए हमारे पास कई सारे मल्टी लेयर्ड अप्रोच हैं सबसे पहले तो पावर ट्रांसमिशन में तो पार्ट ऑफ सार्क एनर्जी एग्रीमेंट इलेक्ट्रिसिटी चौदह मेंपाल और भूटान को पावर एक्सपोर्ट ऑलरेडी करता है इंडिया हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी दो हजार अठारह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इट सेल्फ जारी कर दिया कि क्या गाइडलाइंस होगा कैसे करके जो है हम जो है क्या पावर को ट्रांसपोर्ट करेंगे आदर खरीदना या बेचना तो ये गाइडलाइन हमने ऑलरेडी बना लिया है उसके बाद सेकेंड बात करते हैं ये तो पावर ट्रांसमिशन था सेकेंड हो गया रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन इनके लिए हमने बनाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसके बाद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव इसके अंतर्गत हम क्या करना चाहते हैं ये हमारे इसके अंदर प्रिंसिपल ये थी कि एक्चुअली सन कभी भी सेट नहीं होता है जब सन कभी भी सेट नहीं होता है इसका मतलब है सन का जो है सनलाइट से एनर्जी को प्रोड्यूस करने का मतलब जो सोलर पावर है वो हम ट्वेंटी फोर आवर इस्तेमाल कर सकते हैं और मान लो कि यदि ये अर्थ है अर्थ के मान लो इस एरिया में ट्वेंट ये हीट रहता है तो इधर यदि डे है तो इधर नाइट होगा तो इस वाले एरिया में तो सो सोलर एनर्जी नहीं यहाँ से सोलर पावर नहीं जनरेट होगा तो हम यदि पूरी दुनिया की क्या करें ग्रिड को कनेक्ट कर दे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कर दे तो क्या होगा कि इधर का जो है कि एक्सेस पावर इधर आ जाएगा फिर जब सन इधर ये साइड में आएगा ये साइड डे होगा तो हम पावर इधर, इधर यूज कर लेंगे तो आइडिया जो कि सप्लाई करेगा सोलर पावर अक्रॉस ग्लोब ये हो गया सेकेंड और इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या था ये लॉन्च किया गया था दो में बाय इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर किया था अभी प्रेजेंटली वन ट्वेंटी वन सोलर रिसोर्स रिच कंट्री लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जनरली इस रे इस रीजन में ही अर्थ का जो है अधिक सनलाइट मिल पाता है आ, ये जीरो डिग्री ऊपर में ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नीचे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इसके बीच सन का मूवमेंट इसी में होता है जहां पे कि डायरेक्ट सन का रे ओवरहेड पड़ता है ये मेजर हीटिंग जोन है तो इसलिए यहाँ पे टोटल 121 कंट्री आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है कलेक्टिवली एड्रेस कॉमन चैलेंजेस टू स्केल अप सोलर एनर्जी इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस मेंबर के बीच में टिल्लाव एटी 81 कंट्री जो है इसका मेंबर बना है आउट ऑफ वन जो कि इसके मेंबर बन चुके हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के और इसी को फैसिलिटेट करने इसी का एक पार्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सो दैट पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सन की लाइट रहती है तो वो सन के पावर को हम लोग एक दूसरे से ज्वाइंट करके यूज कर सके इसके बाद थर्ड आ गया फर्स्ट हमने देखा पावर सेकेंड देखा रिन्यूबल दे एनर्जी थर्ड है पाइप कनेक्टिविटी आपने तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट सुना होगा तापी इंस्टेंस फॉर टी ए पी आई आई फॉर इंडिया पी फॉर पाकिस्तान ए फॉर अफगानिस्तान जी टी फोर तुर्क गैस पाइपलाइन हम बिछा रहे हैं तो तापी ट्रांसपोर्ट टू नेचुरल गैस फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान मेनिस्तान टू तु रिमेनिंग थ्री कंट्रीज़ उसके बाद कहता है क्या न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हमने साइन किया और इंडिया जापान सिविल न्यूक्लियर डील सो दैट हम न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो भी ज़रूरत वाली टेक्नोलॉजी हो प्लस रॉ मेटेरियल्स हो हम उनसे इम्पोर्ट कर पाए मेजरली डील में इसी तरह की बातें हैं उसके बाद कहता है क्या ये हो गया न्यूक्लियर पावर हो गया देन आफ्टर अब लास्टली बचा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऑपरेशन तो इंडिया इम्पोर्ट्स पावर फ्रॉम ताला चुगचा खुरुची आ, ये सभी आई थिंक ये भूटान की है जो कि पावर प्लांट इन द भूटान हाँ और दिया हुआ भी भूटान से तो वहाँ से इंडिया क्या करता है इम्पोर्ट करता है पावर एंड इंडिया इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल इंक्लूडिंग महाकाली ट्रिटी अपर काली प्रोजेक्ट एंड अरुणा प्रोजेक्ट चैलेंजेज क्या है इंडिया की डिप्लोमेसी आ, एनर्जी डिप्लोमेसी में तो हमारा जो है ना सोर्स जनरली अभी तक टिल प्रजेंट सिंगल सोर्सिंग है जो कि वही पर्सियन गल्फ जहाँ से कि ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट हम जो है ऑयल इम्पोर्ट करते हैं पावर चार्जेज ट्रांसमिशन चार्जेज ऑन पावर सप्लाइड यूजिंग एन इंटर रीजनल नेटवर्क आर चैलेंजिंग टू डिसाइड मतलब ये बोलना सही है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रेड लेकिन इतनी बड़ी ह्यूज एरिया में ये ट्रांसमिशन पावर चार्जेज होगा कैसे पहले बात तो ये टेक्नोलॉजिकली कॉन्स्टेंट है कि ये सब चीज़ जो एनर्जी सेक्टर हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव होता है और इतना पैसा अफोर्ड हर कंट्री नहीं कर सकता है साइबर सिक्योरिटी का इशू है यदि हम इस तरह का इंटरकनेक्टिविटी कर दें अक्रॉस द ग्लोब तो इससे सिक्योरिटी और प्राइवेसी पे रिस्क बन सकता है उसके बाद ओवर डिपेंडेंस ऑन कोल आज भी कहता है कि हम एनर्जी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं बट स्टिल 50 परसेंट पावर जनरेशन जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो कोल से होता है और ये कोल फर्दर बाद में जाके क्या करेगा पॉल्यूशन तो जनरेट कर सक कर रहा है उसके बाद कहता है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल नेक मतलब यही कि ये काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव प्रोडक्ट होता है तो यह एक बोटल नेक जो कि रुकावट का अवरोध पैदा करता है बिकॉज ऑफ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बोटल ने वे फॉरवर्ड क्या कहता है कहता है इम्पोर्ट डायवर्सिफिकेशन सेम जो प्रॉब्लम्स आपने बताया है सिंगल सोर्स है तो इम्पोर्ट को डाइवर्सिफाई कर दीजिए कई सारे जगह से आप ऑयल को बाय कीजिए जोग्राफिकल एडवांटेज इंडिया के पास जो है ज्योग्राफिकल एडवांटेज है बिकॉज इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन नियर एनर्जी रिच एरिया सो कुड बी यूटिलाइज टू प्रमोट कंट्रीज प्लेस रोल इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड उसका कहता है इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस को इंक्रीज कर सकते हैं बेटर मॉनिटरिंग एंड कॉपरेशन अच्छे से मॉनिटर करके एक दूसरे का सहयोग करके हम अचीव कर सकते हैं ऐसे उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने ऑलरेडी कवर कर लिया फिलहाल अभी के लिए इतना ही मिलते हैं ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच